हेलो एवरीवन, क्या बात है, आ गए क्या? ग्रामर के सेकंड पार्ट एंड लास्ट पार्ट के मैराथन में, जैसे कि आपसे वादा किया गया था आप लोगों की खतरनाक डिमांड पर कि मैम यार ग्रामर करवा दो, वरना हमको बहुत डर लग रहा है, नहीं हो पाएगा हमसे इंग्लिश ग्रामर का, बहुत टेंशन है, 10th में बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुआ, ग्रामर का जी भी नहीं आता है। तो कल आपको मैंने 90% जो मेन टॉपिक थी वो करा दी। आज इस वीडियो में सेकंड पार्ट अपना हो रहा है मैराथन का, जहां पे हम क्या करने वाले हैं, आपके बाकी के जो बचे कुचे ग्रामर के टॉपिक्स है जो मैंने पार्ट वन में नहीं कराई वो आज कराऊंगी, ठीक है, और आपकी ग्रामर की नैया पार हो जाएगी, ठीक है। सो जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर दो एंड कल की तरह बुक पेन लेकर बैठ जाओ, ठीक है। तो मैं भी जल्दी जल्दी अपने सारे ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, फिर अपन जो है बाजी स्टार्ट करेंगे भाई। आज अपनी ग्रामर की कहानी खत्म होने वाली है, ठीक है, और कोई भी इधर पे स्पैमिंग वगैरह नहीं करेगा, सिर्फ काम की बातें करो, जो डाउट है वो पूछो और जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी उसका आंसर दो, ठीक है। क्योंकि आपके कमेंट की वजह से दूसरे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनका डेडिकेशन हाई है उनका माइंड डिस्टर्ब होता है, ठीक है। प्लीज रिक्वेस्टिंग, वरना फिर देख लो मेरे पास ऑप्शन है ब्लॉक करने का, इसलिए क्योंकि अभी टाइम नहीं है, मैं सच में बोल रही हूँ, फिर बाद में बोलना नहीं कि मैम हम आपका चैनल एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए प्लीज रिक्वेस्टिंग, ये यहाँ पे सिर्फ काम की बात किया जाए। अपने फ्रेंड्स ग्रुप जल्दी जल्दी शेयर कर दो, सब लोग पब्लिक को बुलाओ। चलिए, सो शैल वी बिगिन विद द सेशन एवरीवन। ग्रामर की नैया आज पार करने के लिए क्या आप सब रेडी हो? जरा कमेंट में बोलिए यस वी आर रेडी, यू ऑल आर वॉरियर, ठीक है। मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की हूँ 1 मिनट की, उसको गौर से देखो, वो वीडियो 1 मिनट की क्या मैसेज देती है, ठीक है। एग्जाम करीब है, आपको प्रेशर आ रहा होगा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, मैंने इतना पढ़ा हूँ, रिवीजन भी किया हूँ, लेक्चर्स भी अटेंड किया हूँ, मैराथन भी किया हूँ, लेकिन अभी जो 6 दिन बाद बोर्ड एग्जामिनेशन मेरे पे आ रहा है, क्या मैं वो कर पाऊंगा? ऐसा दिमाग में थॉट्स आएंगे, जो मैंने याद किया हूँ वो मैं पूरा लिख पाऊंगा, या जो भी चीज मैंने अच्छे से समझा था, मैं एग्जाम में जाके ब्लैंक तो नहीं हो जाऊंगा? तो ये सारे डाउट्स आते हैं, बट अगर आपको खुद पे विश्वास है और आप कभी नेवर गिव अप नहीं कर नेवर गिव अप का एटीट्यूड रखते हो, तो याद रखना आपकी वो सारी मेहनत जो आपने लगाए हो वो आपको पे बैक करती है, ठीक है। चलिए यस स्टार्ट किया जाए जी, बच्चे रेडी है तो फिर क्या चीज का इंतजार। चलिए जी, मैराथन नंबर 2 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट का पार्ट 2 मैराथन। जो भी बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखे है जाके देख लो, क्योंकि पार्ट 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 अगर आपको आता है तो फिर ये करोगे, बिना पार्ट 1 देखे ही आप नहीं कर पाओगे। हाँ, कुछ कुछ टॉपिक कर लोगे छोटी मोटी। चलो, मैंने क्या बताई थी, हमारे कुछ कुछ टॉपिक्स है जो अपने को अच्छे से पढ़ने हैं। तो कल की वीडियो में हमने क्या पढ़ के खत्म कर दिया, हमने टेंसेस पढ़ दिए, मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ दिए थे, और हमने क्वेश्चन टैग रिथोरिकल हमारा हो गया, इन्फिनिटिव एंड जेरंड हो गया था, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो गया था, और सिनोनिम्स, ये सब तो वो सब मतलब छोटी मोटी टॉपिक है जो ग्रामर में नहीं पोयम सेक्शन में आती है, ठीक है। उसके अलावा क्या कौन सी टॉपिक बची है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस के अंदर अपन आज क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आर्टिकल्स पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन स्किप करने वाले हैं क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप एग्जाम में समझ जाओगे। डिग्री ऑफ कंपेरिजन करेंगे, ठीक है,
और भी छोटी मोटी चीजें करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोड मिक्सिंग, वर्ड रजिस्टर। ओके चलो जी, तो सबसे पहले टॉपिक अपने सामने जो स्टार्ट हो रही है वो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, कल अपन ने कितने टॉपिक किए थे? 5 टॉपिक किए थे, राइट? 1 2 3 कितने, 5 किए थे कि 6 किए थे, कौन बताएगा? आई थिंक 5 किए थे। हाँ, तो अपनी आज का ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन 6th टॉपिक है। चलो अपनी बुक में हैशटैग नंबर 6 डाल दो, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। पहले अपन समझते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो देखो, डिग्री मतलब लेवल, कंपैरिजन मतलब क्या, तुलना करना, कंपेयर करना, तुलना करते हैं ना हम कि अरे यार मेरा ये दोस्त उससे अच्छा है। ठीक है, कुछ भी तुलना अगर हम करते हैं कि भाई फिजिक्स का पेपर केमिस्ट्री से बहुत हार्ड आता है, तो यहाँ पे हम तुलना किसके बीच में कर रहे हैं? फिजिक्स सब्जेक्ट और केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बीच में, है ना, ऐसा हम बोल रहे हैं। बायोलॉजी सब्जेक्ट इजी है किसके कंपेयर में? फिजिक्स के कंपेयर में। तो यहाँ पे जब भी हम कोई ऐसी बात बोलते हैं जहां पे कोई चीज को हम क्या कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं दूसरी चीजों से, तो वो सारे अपने मुंह से निकले हुए सेंटेंस को कैसे फ्रेम करना है और किस लेवल पे हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहलाता है। तो याद रखना, हम जब भी कोई भी चीज को कंपेयर करते हैं तो 3 लेवल पर करते हैं। ठीक है, गौर से सुनो, 3 लेवल पर करते हैं। ग्रामर की भाषा में पहले लेवल को हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, यानी कि पॉजिटिव वाला लेवल। दूसरे लेवल को हम क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव। पहले सुनो बात को, फिर मैं आपको समझाती हूँ एग्जांपल देकर। ठीक है, और तीसरा अपना है सुपरलेटिव डिग्री, यानी सुपरलेटिव लेवल। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे कौन से लेवल की बात हो रही है, हमको कैसे पहचान में आएगा? तो देखो, अभी यहाँ पे जैसे हमने क्या देखे थे कि टेंसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टेंसेस हमने जो टॉपिक पढ़े उसमें अगर आपको वर्ब्स आता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये वाले टेंस में लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में लगानी है, तो वर्ब्स आता है तो टेंसेस आता है ना, उसी प्रकार से आपको डिग्री ऑफ कंपेरिजन कब आएगा? जब आपको एग्जेक्टिव की कहानी क्लियर है। एग्जेक्टिव क्या होते हैं? एग्जेक्टिव वो चीज होती है जो नाउन को डिस्क्राइब कर रही होती है। जैसे देखो, ये लड़की है जो लाल कपड़ा पहन के खड़ी है, इसका नाम क्या है? जैन। अपन क्या बोल रहे हैं? ये एक नाउन है, है ना, जैन इज नाउन। तो अगर मैं इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही हूं, क्या बोल रही हूं? जैन इज क्लेवर गर्ल, क्लेवर। तो यहाँ पे क्लेवर मेरा क्या बन जाएगा? क्लेवर मेरा एग्जेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी इसको किससे कंपेयर नहीं कर रही हूं, मैं यहाँ पे अभी इसको किसी से कंपेयर नहीं कर रही हूं, मैं बस इसी की बात कर रही हूं कि देखो भाई ये लड़की जो है क्लेवर, तो मैंने क्या बोले? जैन इज क्लेवर। लेकिन जैसे ही अगर मैं ये लड़की को कोई दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करूंगी कि जैन जो है वो, ऐसा मान लो मैं बोल रही हूं किससे? करण से, करण से क्लेवर है, तो यहां पे रोल प्ले हो जाता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन का। एग्जाम्पल है, रुक जाओ मैं आपको बताती हूं। देखो, तो ये जो अपना क्लेवर था ये अपने फर्स्ट फॉर्म में बैठा था, क्लेवर जो था ये अपनी फर्स्ट फॉर्म में बैठा हुआ था, इसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म भी होती है। ठीक है, और याद रखना, एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म को हम पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव डिग्री में आपको हमेशा एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, एडजेक्टिव का जो सेकेंड फॉर्म होगा वो आपकी कंपेरेटिव डिग्री में जाएगा, एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म सुपरलेटिव डिग्री में जाएगा। तो आपको पहले एडजेक्टिव के फॉर्म तो पता होने चाहिए, तो ही तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि क्लेवर का थर्ड फॉर्म क्या है, आपके एग्जाम में आए कि भाई सेंटेंस को सुपरलेटिव बनाओ, तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म ही नहीं पता है। ठीक है, तो याद रखना, एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव का सेकेंड फॉर्म कंपेरेटिव, एंड थर्ड फॉर्म सुपरलेटिव। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, छोटा सा सेब है, ठीक है, तो मैंने इसको क्या बोली कि ये बिग है। ठीक है, बिग है, बिग, इसको मैं अभी किसी से कंपेयर नहीं करी, तो ये अपना पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, अभी मैं इसको ये वाला जो बीच वाला सेव है, मैं बोल रही हूँ कि ये क्या है, ये छोटे वाले से ज्यादा बड़ा है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी? बिगर। तो बिग का सेकेंड फॉर्म है बिगर, और जैसे मैंने बताई, सेकेंड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? कंपेरेटिव डिग्री के अंदर वो जाता है। अभी ये तीनों सेब में से सबसे बड़ा सेब कौन सा है, सबसे बड़ा एप्पल कौन सा है? ये तीसरा वाला। तो इसके साथ अपन कौन सी डिग्री लगाएगी? एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री, जो बिगेस्ट बन जाएगा।
ठीक है, और थर्ड डिग्री को अपन क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव। नाम से लग रहा है सुपर, मतलब कि ऐसी क्वालिटी, ऐसी तुलना जहां पे वो इंसान को हम सबसे हाईएस्ट डिग्री दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हाईएस्ट, कि भाई देखो ये इंसान जो है सबसे स्मार्टेस्ट है क्लास में, ये लड़की जो है सबसे टॉलेस्ट है, ठीक है, ऐसा समझ रहे हो? तो सुपरलेटिव। तो यहाँ पे बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। अब देखो मैं आपके सामने लगाती हूँ, जैसे कि एंगर, हेलो हेलो, ओके ओके ओके, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बहुत ज्यादा ना ये वाईफाई ना तंग कर देता है सच में। आ गया है, बताइए जल्दी। क्या हुआ, दिख रही हूं मैं अच्छे से? सारी प्रॉब्लम सही सही हो गई? अरे अभी भी बंद ही है। वीडियो चल रही है क्या? हाँ चलो, आ गया आ गया। चलो बेचारे आधे से ज्यादा बच्चे चले गए यार। चलो फिर से उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, फिर से लोग को इन्फॉर्म कर दो, अपने फ्रेंड्स लोग को बता दो प्रॉब्लम हो गई थी वाईफाई का, लेकिन अब आ चुका है। तो मैं भी जल्दी जल्दी इन्फॉर्म कर देती हूँ, ठीक है? ये सब आधे से ज्यादा स्टूडेंट भाग गए क्या बात है यार, लेकिन आप सब टिके हो। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। बस दुआ है यार कि फिर से ना जाए, बहुत दिक्कत हो जाती है, हालत खराब हो जाती है इधर पे हमारी। अब ये पेन किधर गई दिक्कतें हो रही है भाई, क्या हो गया? एक मिनट, हाँ ये पेन कहाँ गई भाई? हाँ मिल गई मिल गई, चलो आ जाओ। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवाती हूँ, एक बार फिर से रिवाइज करवाती हूँ कि हम क्या कर रहे थे, ठीक है? डोंट वरी, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो गया या आगे पीछे हो गया सेशन, कोई बात नहीं। चलो तो देखो मैं क्या बोल रही थी, मैं ये बोल रही थी कि हमारी आज की पहली टॉपिक है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आज की हमारी पहली टॉपिक क्या है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब क्या? तुलना करना। हम तुलना करते हैं तीन लेवल पे। पहला लेवल है पॉजिटिव, जहां पे एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा लेवल है कंपैरेटिव, जहां पे हम एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड लेवल है सुपरलेटिव, जहां पे एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। तो एडजेक्टिव की फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों फॉर्म अगर आपको आती है तो आप डिग्री ऑफ कंपेरिजन कर लोगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे आ जाओ। देखो जैसे बहुत सारे अपने यहाँ पे एडजेक्टिव है, जैसे हाई, इसका सेकेंड फॉर्म है हायर, थर्ड फॉर्म है हाईएस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, सॉफ्ट, सॉफर, सॉफेस्ट, ठीक है? तो ये ऐसे क्या है, अपने एडजेक्टिव्स होते हैं, ओके? अब कुछ एडजेक्टिव्स कैसे होते हैं, कुछ देखो, इतने तो ऐसे डीप, डीपर, डीपेस्ट, चीप, चीपर, चीपेस्ट, कुछ ऐसे है। तीन लेवल के अपने क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। पहला ये कैटेगरी हो गया, दूसरा वो होते हैं जो तीनों एक दूसरे से अलग दिखने वाले होते हैं, जैसे कि गुड का अपना सेकंड फॉर्म क्या होता है, बेटर, और थर्ड फॉर्म होता है बेस्ट, ठीक है? तो एडजेक्टिव जो अपना गुड है, इसके तीन फॉर्म होते हैं। पहला फॉर्म है गुड, सेकंड है बेटर, और थर्ड जो सुपरलेटिव है उसको अपन बोलते हैं बेस्ट।
कितने सारे लोग इधर पे बेस्टेस्ट अपना ही निकाल रखे हैं, है ना, बेस्टेस्ट, शी इज माई बेस्टेस्ट फ्रेंड, दिस इज माई बेस्टेस्ट वेकेशन, तो बेस्टेस्ट वर्ड होता ही नहीं है क्योंकि बेस्ट खुद में एक सुपरलेटिव है यार, है ना। तो जो लोग की इंग्लिश कमजोर है, ग्रामर कमजोर है, फिर वो लोग ये सब चीजें करने लगते हैं, बेस्टेस्ट नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है क्योंकि गुड, बेटर और बेस्ट खुद में अपना सुपरलेटिव थर्ड फॉर्म क्रिएट करता है। वो लोग को क्या लगता है कि डीप, डीपर, डीपेस्ट है, तो बेस्ट, बेस्टर, बेटेस्ट होएगा, है ना, तो इसलिए बेस्टेस्ट, बेस्टेस्ट बोलते रहते हैं। उसी प्रकार से बैड, ये बैड फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, अपना वर्स, डब्ल्यू ओ आर एस ई, वर्स, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, वर्स्ट, डब्ल्यू ओ आर एस टी, वर्स्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं अपने, ये एग्जेक्टिव के थर्ड फॉर्म हो जाते हैं, लिस्ट बना लेना, देख लेना, जो अपनी क्या होती है, तीनों की शक्ल एक दूसरे से अलग होती है। और फिर थर्ड कैटेगरी वाले वो होते हैं जो जिसमें अपने को मोर और मोस्ट लगाना पड़ता है, जैसे कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ये एग्जेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म है, तो उसका सेकेंड फॉर्म ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट तो नहीं है, है ना। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, अपन बोलते हैं अगर इसके सेकंड फॉर्म अगर अपने को बनानी है तो हम बोलते हैं मोर ब्यूटीफुल, क्या बोलते हैं, मोर ब्यूटीफुल। और इसके थर्ड फॉर्म बनानी होती है तो हम बोलते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। उसी प्रकार से इंटेलिजेंट, ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, तो इसकी सेकेंड फॉर्म इंटेलिजेंटर या इंटेलिजेंटेस्ट तो नहीं है ना, हम इसकी जब सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो क्या लगाते हैं, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड कौन सी कैटेगरी में जाते हैं ताकि आप प्रॉपर यूजेज कर पाओ इसका पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। तो आप लोग प्लीज पहले लिस्ट बनाना, उसके बाद स्टार्ट करना, ठीक है। अब देखो अपन क्या करेंगे, हम जो है ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो कैटेगरी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक मिनट रुक जाओ, वन मिनट, दो कैटेगरी बनाएंगे, ओके, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। तो अभी टाइप वन कैटेगरी डाल दो जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, क्या लिख दो, टाइप वन, सुनो टाइप वन लिखो जल्दी, वैसे तीन टाइप है बट मैं आपको दो कराऊंगी बिकॉज यही दो टाइप के आपके एग्जाम में आते हैं। डिफिकल्ट का भी क्या अपना बनता है, यस, हाई, हायर, हाईएस्ट। डिफिकल्ट का क्या, डिफिकल्टर, डिफिकल्टेस्ट, नहीं ना, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है, करेज, करेजियस, करे, मोस्ट, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस, ठीक है। तो बिग, बिगर, बिगेस्ट, आपको मतलब सिंपल सी भाषा पता होना चाहिए कौन सा एडजेक्टिव का पहला फॉर्म है जो बिगर, बिगेस्ट ऐसे ER और EST लगाने से बनता है, और कौन से एडजेक्टिव ऐसे हैं जिसमें अपने को क्या लगाना होता है, मोर और मोस्ट, और कौन से एडजेक्टिव ऐसे हैं जिसमें तीनों फॉर्म एक दूसरे से अलग होती है, ठीक है। जैसे फॉर, फार, फर्दर, फारदेस्ट, तीनों अलग है, फॉर, फॉर्मर, फॉरमोस्ट, ठीक है, और क्या है, हिंड, हिंडर, हिंडर मोस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, लिटिल, देखो लिटिल अपना पहला, लिटिल, हाँ ये फर्स्ट एडजेक्टिव है, इसके सेकंड फॉर्म क्या होती है, लेस, और इसके थर्ड फॉर्म क्या होती है, लीस्ट, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम क्या करेंगे, आपके एग्जाम में मैं सोच रही हूँ कि तीनों टाइप पढ़ा दूँ या दो टाइप, चलो मैं समझा देती हूँ तीनों टाइप बट पढ़ाऊंगी दो ही क्योंकि पहला वाला टाइप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गौर से सुनो, टाइप वन डालो, तीन टाइप के अपन अपने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। टाइप वन जहां पे हम तुलना कर रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ दो लोग के बीच में, कान खोल के सुन लो, हम पहले टाइप में वो सारे डिग्री ऑफ कंपेरिजन करेंगे जहां पे तुलना सिर्फ दो लोग के बीच में हो रही होगी या सिर्फ दो चीज के बीच में हो रही होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ सुधा जो है वो प्रिया से अच्छा डांस करती है, तो यहाँ पे किस दो लोग है ना, एक कौन है, एक है सुधा नाम की लड़की और एक है प्रिया नाम की लड़की, तो ये दोनों को अपन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं कि अच्छा कौन नाचता है।
तो जब भी दो लोग के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो टाइप वन मतलब उसके रूल्स रेगुलेशन अलग हो गए बनाने के, ठीक है। अब सिर्फ इंसान ही नहीं, अगर कोई दो चीज, अगर मैं बोलती हूँ ताजमहल लाल किला से खूबसूरत है, तो यहाँ पे क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग, मॉन्यूमेंट वगैरह हो गया। तो यहाँ पे ताजमहल और लाल किला दो चीज देना, और तो तीसरी चौथी कोई चीज नहीं है। तो टाइप वन में क्या हो रहा होता है, हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ टू पर्सन या टू थिंग्स, टू एनिमल, कुछ भी, ठीक है। तो उस वक्त हमारा हमारा जो डिग्री यूज होगा वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और कंपैरेटिव में ही बदल सकता है। टाइप वन में हम इसको सुपरलेटिव में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि दो लोग के बीच में तुलना हो रही है तो मैं उसको सबसे हाईएस्ट क्वालिटी नहीं दे सकती। अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल है, अगर एक क्लास है, 50 लोग की क्लास है, उसमें से अगर कोई एक इंसान सबसे अच्छा नाचता है तो मैं बोल सकती हूँ कि देखो भाई सुधा सबसे अच्छा नाचती है इस क्लास में। बट यहाँ पे तो कोई क्लास ही नहीं है, यहाँ पे तो सामने वाला एक ही इंसान है। तो याद रखना टाइप वन में जहाँ पे हम सिर्फ दो लोग को कंपेयर करते हैं या दो चीज को कंपेयर करते हैं, तो वो जो डिग्री होती है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और कंपेरेटिव में ही कन्वर्ट हो सकती है, उसको अपन सुपरलेटिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सीखेंगे कि कैसे करना है, स्टेप्स क्या होंगे टाइप वन को चेंज करने के। तो देखो दो अपने इंसान हो गए, ऐसे मैंने क्या बोली थी, सिंपल से एग्जांपल ना, जोसेफ नाम का एक लड़का है, ठीक है, और मैं उसको क्या बोल रही हूँ, जोसेफ इज मोर इंटेलिजेंट, सुनो, जोसेफ इज मोर इंटेलिजेंट देन जॉन, ठीक है। ये मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखी, ओके। अब आपने क्या देखे इस सेंटेंस में, आपने देख लिया मोर इंटेलिजेंट, क्या देख लिया, मोर इंटेलिजेंट। मैंने क्या बोली थी, एडजेक्टिव के सेकंड फॉर्म कौन से डिग्री शो करती है, कंपैरेटिव डिग्री शो करती है। तो आपने क्या पहचान लिया कि ये मेरा जो क्वेश्चन है ये कंपैरेटिव डिग्री में बैठा हुआ है, यानी मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इस क्वेश्चन को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। अब कैसे चेंज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में अपन एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी मोर हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है सबसे पहली बात, तो कि अब मेरे को डिग्री कौन सी बदलनी है, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव डिग्री इधर पे अपन आ गई। अभी अपन क्या करेंगे, जैसे अपन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में इंटरचेंज करते थे ना, तो वैसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे, जोसेफ को एंड में लेके जाएंगे और जॉन को पहले। देखो ये टाइप वन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस पढ़ाने के लिए पढ़ा रही हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टाइप टू एंड टाइप थ्री है, ठीक है। इसलिए मेरे को ऐसा लगा कि चलो पढ़ा देती हूँ, तीन है एक्चुअल में, तो तीन ही पढ़ा देती हूँ, बट इंपॉर्टेंट सेकंड और थर्ड वाले, बट फर्स्ट वाला भी सुन ही लो। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जॉन जो एंड में था उसको पहले लेकर आएंगे और जोसेफ को लास्ट में डाल देंगे, ठीक है। फिर अभी बोलने का सेंस चेंज नहीं होना चाहिए, बोलने का मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जोसेफ जॉन से ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब ये बात को अगर मैं पॉजिटिव डिग्री में बोलना चाहूं तो कैसे बोलूंगी, जॉन जो है वो जोसेफ जितना इंटेलिजेंट नहीं है, जॉन जो है जोसेफ जितना इंटेलिजेंट नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव जा रहा है, मेरे को नॉट लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो जॉन इज नॉट, फिर क्या करूंगी मैं, पॉजिटिव डिग्री में क्या बोली थी, पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो अपना एडजेक्टिव इस क्वेश्चन में क्या है, इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट मेरे को लिखना है, और एक चीज दिमाग में चिपका लो, आपके क्वेश्चन में एग्जाम में अगर आता है कि भाई इसका पॉजिटिव डिग्री बनाओ, तो एडजेक्टिव के फर्स्ट फॉर्म के आगे पीछे उसका आप क्या लगाओगे, बॉडीगार्ड लगाओगे। बॉडीगार्ड कौन है, एज है, एज, ठीक है। तो इंटेलिजेंट के आगे पीछे कौन लगे रहेंगे, बॉडीगार्ड, एज लगे रहेंगे। तो आंसर अपना क्या बनेगा, जॉन इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज जोसेफ, ठीक है। तो ये वाला तो इतना है कि जहां पे अपन बस दो चीज को कंपेयर करते हैं तो अपने को क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट करना है, पहले इंटरचेंज कर दो, नेगेटिव बना दो, पॉजिटिव के आगे पीछे एज लगा दो, ये टाइप वन है। अब आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, टाइप टू है, ये वाला, ये आपके एग्जाम में बहुत आता है, टाइप वन आज तक नहीं आया है, तो उसको आप नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। अब इंपॉर्टेंट ये है टाइप टू, जल्दी आओ। टाइप टू में क्या होता है, अगर हम कोई भी ऐसी चीज, ऐसा मानो यहाँ पे एक बड़ा सा क्या है, ग्रुप बना हुआ है, एक क्लास है, ठीक है, और उस क्लास में मान लो बहुत सारे बच्चे है, ठीक है। अब यहाँ पे कंपेरिजन दो लोग के बीच में नहीं हो रहा है, ग्रुप के बीच में हो रहा है,
ठीक है, क्लास है, ग्रुप है, या जो भी चीज है वो एक से ज्यादा है, और उसमें अगर मैं कोई एक इंसान को सबसे हाईएस्ट क्वालिटी दे रही हूँ, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी कि भाई देखो ये जो लड़का है, मान लो इसका नाम, ये लड़की है श्रुति, ठीक है, श्रुति जो है वो क्लास में सबसे लंबी है, एग्जाम्पल उसकी हाइट जो है सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट, तो मैं उसको हाइएस्ट क्वालिटी दे रही हूँ, तो यहाँ पे ग्रुप में कंपेरिजन हो रहा है, सिर्फ मैं उसको कोई दूसरी लड़की के साथ या दूसरे लड़के के साथ तो कंपेयर नहीं कर रही हूँ। तो दिमाग में चिपका लो टाइप टू, जहां पे आपका कंपेरिजन ग्रुप के साथ होता है, और हम एक इंसान को, ग्रुप में से सिर्फ एक इंसान को सबसे हाईएस्ट क्वालिटी देते हैं कि भाई देखो ये सबसे स्मार्टेस्ट है, सबसे टॉलेस्ट है, मोस्ट इंटेलिजेंट है, ठीक है, ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे लीस्ट है, जो भी अपन बोलेंगे, तो उस वक्त टाइप टू की कैटेगरी में जाएगा। अब इसको अपन क्या, ये वाला जो अपना सेंटेंस होगा ये अपने तीनों डिग्री में चेंज होगा, ठीक है, पॉजिटिव में भी, कंपेरेटिव में भी, और सुपरलेटिव में भी, तीनों में ये चेंज होगा। अब गौर से सुनो कैसे चेंज होगा, तीनों के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इधर पे आओ, दिमाग में चिपका लो ये बात। टाइप टू का हिंट, टाइप टू, हैशटैग टाइप टू में जो पॉजिटिव डिग्री होगी, सुनो, पॉजिटिव डिग्री होगी वो हमेशा किससे स्टार्ट हो रही होगी, नो अदर से, ठीक है, नो अदर से अपना सेंटेंस स्टार्ट होगा, और अपना एडजेक्टिव जो भी होगा, जो भी अपने क्वेश्चन में एडजेक्टिव है उसके आगे पीछे बॉडीगार्ड लगे होंगे, कौन से बॉडीगार्ड, एज, ये रूल है। टाइप टू पॉजिटिव सेंटेंस आपको कन्वर्ट करना है तो आंसर में नो अदर से शुरुआत करोगे, आपके क्वेश्चन में जो भी एडजेक्टिव है उसको उसकी फर्स्ट फॉर्म में लेकर आके उसके आगे पीछे एज एज लगाना है, ठीक है, पहले समझो फिर हम एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करें। अब ये चीज को अपने को कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो अपना रूल क्या होगा, हम जो है अपनी एडजेक्टिव की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, इधर पे क्या था, एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म थी, है ना, कंपेरेटिव में क्या होगा, हम जो है सबसे पहले एडजेक्टिव को उसकी सेकेंड फॉर्म में लेकर आएंगे, ठीक है, उसके सेकेंड फॉर्म में लेके आएंगे, और उसके बाद देन एनी अदर लगाएंगे, ये वर्ड चिपका लो दिमाग में, कंपेरेटिव में आपको लिखना है तो क्या लिखोगे, देन एनी अदर, कॉन्स्टेंट चीजें है, एग्जाम्पल बताऊंगी, पहले फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला समझेगा तो आप कर लोगे, और फिर उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री, टाइप टू का सुपरलेटिव अगर आपको कन्वर्ट करना है तो उसका क्या होगा, अपन द लगाएंगे, द, और एडजेक्टिव का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, समझ में आ गई बात, टाइप टू जहां पे हम कंपैरिजन करते हैं ग्रुप में और उसमें से एक चीज को या एक इंसान को सबसे हाईएस्ट क्वालिटी देते हैं तो अपना टाइप टू होता है। टाइप टू को बनाने का क्या फॉर्मूला है, अगर हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं तो अपना आंसर नो अदर से स्टार्ट होगा, एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके आगे पीछे एज एज होगा, ठीक है, वही सेंटेंस को कंपेरेटिव करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में तो हम एडजेक्टिव के सेकेंड फॉर्म लगाएंगे और क्वेश्चन में उसके बाद क्या लिखेंगे, देन एनी अदर। थर्ड फॉर्म सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है तो हम द लगाएंगे और एडजेक्टिव को उसके थर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। इतना समझ में आ गया, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो देखो, अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रही हूं, ये सेंटेंस को रीड करो, ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखी और आपको बोला गया है चेंज द डिग्री। सुनो गौर से, क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन क्या लिखा हुआ है, चेंज द डिग्री, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है, डिग्री तीन टाइप किया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले देखोगे मेरा क्वेश्चन कौन से डिग्री में बैठा है, कौन से डिग्री में क्वेश्चन बैठा है, देखो द है और वर्ब अपने एडजेक्टिव के थर्ड फॉर्म है, द और एडजेक्टिव के थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, सुपरलेटिव होती है, तो आपने पहचान लिए कि मेरा क्वेश्चन सुपरलेटिव में है, यानी मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसकी डिग्री कंपेरेटिव बना सकता हूं या तो पॉजिटिव, यानी आप अपना आंसर पॉजिटिव डिग्री में बनाओगे तो भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे, आप यही सेंटेंस को कंपेरेटिव में बनाओगे तो भी मार्क्स दिए जाएंगे। दिमाग में जा रही है बात की नहीं जा रही है, अगर क्वेश्चन
का इंस्ट्रक्शन क्या है, सिर्फ डिग्री चेंज करो, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कंपैरेटिव में चेंज करना है तो कंपैरेटिव करो, पॉजिटिव करना है तो पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है कि देखो भाई चेंज इंटू पॉजिटिव डिग्री, आपको जो है अपनी डिग्री को पॉजिटिव में ही करना है, तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा, ठीक है, समझ में आया। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, पहले अपन ना इसको पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव के लिए मैंने क्या बोली थी, पहले अपन क्या करेंगे, अपना सेंटेंस नो अदर से स्टार्ट करेंगे, तो अपना आंसर क्या करने का, नो अदर लिख के बैठ जाने का, नो अदर लिखे पहली फुर्सत में बैठ जाने का, ठीक है, उसके बाद आगे की कहानी सोचने का। ओके, क्या करना है, नो अदर, ओके, ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, तो मैं अगर इसको ऐसा बोलूं कि और कोई आइलैंड इतना बड़ा नहीं है जितना ऑस्ट्रेलिया है, तो भी उतनी वही बात हो जाएगी ना, तो वही है नो अदर। तो देखो मैं क्या कहूंगी, नो अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड, ऐसा लिखूंगी, इन द वर्ल्ड, जो मेरा एग्जेक्टिव होगा ना, एग्जेक्टिव, उसके बाद वाला सेंटेंस क्या है मेरा, आइलैंड इन द वर्ल्ड, उसको लिखूंगी। फिर मैंने क्या बोली थी, क्या करना है अपने को, एडजेक्टिव को फर्स्ट फॉर्म में लेकर आके एज एज लगाना है ना, नो अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज एज लार्जेस्ट, क्या बन जाएगा, लार्ज, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट की फर्स्ट फॉर्म क्या है, लार्ज, बॉडीगार्ड एज एज लगा दिए, ऑस्ट्रेलिया, तो ये अपना आंसर बन गया, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, फॉर्मूले के बेस पे हो पा रहा है, एक बार आंसर बना लोगे तो सेंटेंस का मीनिंग मत चेंज कर देना। अब यही क्वेश्चन को अगर मुझे कंपैरेटिव में बनाना है, तो मेरा क्या फॉर्मूला था कि मैं एडजेक्टिव को उसके सेकंड फॉर्म में लेकर आऊंगी, लार्जर, लार्जर बनेगा ना, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट सेकंड फॉर्म है, मैं क्या करूंगी, ऑस्ट्रेलिया इज लार्जर, फिर क्या मैंने बोली थी, उसके आगे क्या लगाना है, देन एनी अदर बोली थी ना, तो लार्जर के बाद क्या लिख देंगे, देन एनी अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये तरीका है आपका क्या करने का, क्या करने का, टाइप टू के डिग्री को एक दूसरे के साथ चेंज करने का। देन देखो टी एच ए एन वाला देन लगाना है, ठीक है, टी एच ए एन वाला देन। चलो एक और क्वेश्चन देती हूं आपको, इसको सॉल्व करके बताओ। कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन इन द टीम, ठीक है, और आपको बोला गया है चेंज द डिग्री, चेंज द डिग्री, क्या करोगे, आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको पॉजिटिव और कंपैरेटिव किसी में भी चेंज करो, मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, चेंज द डिग्री, कौन इसका आंसर बताएगा, पॉजिटिव में चेंज करते पहले, चलो पॉजिटिव आया, टाइप टू है, नो अदर से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, चिपका लो माइंड में। आप बोलोगे नो अदर के बाद मुझे क्या लिखना है, तो नो अदर के बाद आपके क्वेश्चन में जो भी एडजेक्टिव होगा ना, उसके बाद वाला सेंटेंस लिखना है, ठीक है, अपना एडजेक्टिव क्या है, द बेस्ट है ना, उसके बाद वाला सेंटेंस क्या है, बैट्समैन इन द टीम, तो नो अदर के बाद अपन क्या लिख देंगे, नो अदर बैट्समैन इन द टीम, इतना लिख देने का, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगाने का, हेल्पिंग वर्ब अपना क्वेश्चन में क्या है, इज, नो अदर बैट्समैन इन द टीम इज, फिर क्या मैंने बोली थी, एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके आगे पीछे एज एज, तो बेस्ट का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गुड ना, गुड, बेटर, बेस्ट, ओके, तो अपन क्या कर देंगे, एज गुड एज, कौन बचा, पूरा सेंटेंस तो अपन ने लिख दिया उठा के, अब एक ही बचा इंसान, कोहली, ठीक है, कोहली बचा, तो उसको एंड में लिख देंगे, तो आंसर क्या बन गया, नो अदर बैट्समैन इन द टीम इज एज गुड एज कोहली, ठीक है, तो ये ऐसा अपना आंसर बनेगा, समझ में आ रहा होगा, ये अपना कौन सा था, ये अपना पॉजिटिव डिग्री था, ठीक है। अब यही वाले क्वेश्चन को कंपैरेटिव में बनाना है, तो अपन क्या करेंगे, अपन नो अदर से तो स्टार्ट नहीं कर रहे, अपन अपना डायरेक्ट सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो अपन
क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन क्या है, कोहली से स्टार्ट हुआ है तो कोहली हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है. कोहली इज, सेकेंड फॉर्म क्या है, बेटर. कोहली इज बेटर, क्या बोली थी उसके बाद, देन एनी अदर लगाना है ना कंपल्सरी. वो पूछा फॉर्मूला है, फॉर्मूले के बेस पे मैं सॉल्व कर पा रही हूँ, कोई न्यू चीज नहीं बता रही हूँ. इधर पे मैंने पहले आपको फॉर्मूला दी हूँ, वही फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ. सेकेंड फॉर्म एंड देन एनी अदर. तो क्या करी मैंने इधर पे, कोहली इज बेटर देन एनी अदर बैट्समैन इन द टीम. ठीक है, द बेस्ट को हटाना पड़ेगा क्योंकि द बेस्ट तो सुपरलेटिव की क्वालिटी है ना. तो ये अपना टाइप टू है. एक लास्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, फिर हम टाइप थ्री की तरफ बढ़ जाएगा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन अपना हो जाएगा. नो अदर मैन वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज भीम. ठीक है, चेंज द डिग्री. क्वेश्चन की डिग्री क्या है और उसको चेंज करके बताओ. पहले पहचानो मेरा क्वेश्चन कौन से डिग्री में बैठा है. हमेशा सुपरलेटिव में नहीं होगा, कोई भी डिग्री में बैठ सकता है वो. क्या बात है, यस ज्योति करेक्ट, कनुजा प्रभा श्रुति, यस ग्रेट. जल्दी सॉल्व करते हैं उसको, एक बार ये हो गया तो बाकी सब हो जाएगा अपना फटाफट. इसका आंसर कौन बताएगा, यस अपना क्वेश्चन पॉजिटिव डिग्री में बैठा हुआ है क्योंकि नो अदर से स्टार्ट हुआ है ना. इसको कंपैरेटिव एंड इसमें चेंज करो. भीम वाज स्ट्रॉन्गर देन, क्या बात है मुस्कान, यस बिल्कुल सही. तो इसको कंपैरेटिव में पहले चेंज करते हैं अपन. ठीक है, तो भीम was stronger than any other man. बस ठीक है, no other हटाना पड़ेगा यार, क्योंकि no other positive के साथ लगता है. comparative में मत डालना no other को, निकाल देना सीधा. ठीक है, क्योंकि वो no other positive का formula है. अपना comparative का formula क्या है कि adjective की second form and then any other आना चाहिए. अपन ने लगाए देन एनी अदर, एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म लगाए. ठीक है, बाकी क्वेश्चन की चीजें ही लिखे है. ओके, अब इसी को अपन क्या करेंगे, सुपरलेटिव में बनाएंगे. तो भीम वॉज क्या फॉर्म है, एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट. द लगाना था ना, द स्ट्रॉन्गेस्ट. भीम वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन. ठीक है, तो ये अपना हो गया टाइप टू की कहानी. अब अपन बढ़ते हैं टाइप थ्री की तरफ और फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे फटाफट. ठीक है, इस कैसे कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए आपको पता चलेगा. चलो आ जाओ टाइप थ्री. अब यहाँ पे क्या होता है बताऊं, यहाँ पे हम एक ग्रुप होता है. ठीक है, देखो टाइप टू में हम क्या कर रहे थे कि एक क्लास है ना, उस क्लास में ऐसा मानो एक लड़का है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो सबसे ज्यादा बोलते हैं ना पहलवान टाइप है. ओके, एकदम पहलवान टाइप है ये, ऐसा मतलब सब बच्चे इतने पतले पतले हैं और एक एकदम पहलवान टाइप इंसान है. तो अपन ने क्या करे टाइप टू में, अपन ने बोले कि देखो ये लड़का जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. टाइप थ्री में क्या होगा, टाइप थ्री में ग्रुप होगा बट वो अकेला इंसान स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उसके साथ ऐसा मान लो दो लड़के और हैं जो उसकी तरह हट्टे खट्टे. टाइप थ्री में क्या हो रहा होगा, एक ग्रुप है उसमें से वो अकेला इंसान स्ट्रॉन्ग नहीं है या टॉल नहीं है, स्मार्टेस्ट नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, उसके साथ दो तीन लोग और उसके जितने ही स्मार्टेस्ट है, टॉलेस्ट है, जो भी क्वालिटी देना चाहते हो वो है. ठीक है, बट अपन बात अभी फिलहाल के लिए इसकी करेंगे तो अपन उसको ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि यू आर द स्मार्टेस्ट, तो बाकी बच्चे बोलेंगे ना ओ भाई फिर हम भी तो स्मार्ट है ना, है ना. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हम बोलेंगे यू आर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट, मतलब तुम इस क्लास में से क्या हो, थोड़े बच्चे स्मार्ट है उसमें से एक बच्चे तुम हो जो तुम भी स्मार्ट हो. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, ग्रुप में को
कोई एक इंसान को क्वालिटी देते हैं और ये भी बताते हैं कि तुम्हारे अलावा फ्यू अदर्स, दूसरे लोग भी इंटेलिजेंट। ठीक है, तो ये चीज अपनी हो गई। अब ये वाले टाइप थ्री में पॉजिटिव डिग्री कैसे बनेगी, याद रखो फ्यू अदर्स ना, तो वेरी फ्यू। पॉजिटिव डिग्री किससे स्टार्ट होगी, टाइप टू में नो अदर से स्टार्ट हो रहा था, टाइप थ्री में अपना क्वेश्चन किससे स्टार्ट होगा, वेरी फ्यू से। पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा और बात वही रहेगी, एडजेक्टिव अपनी फर्स्ट फॉर्म में रहने वाला है, उसके आगे पीछे उसके बॉडीगार्ड एज रहेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म और उसके आगे पीछे एज, ये अपना क्या है टाइप थ्री। रुक जाओ मैं बताती हूँ, सब क्लियर होगा। फिर अपना आता है कंपेरिटिव, इसको अपने को क्या करना है, वही सेम कहानी, एडजेक्टिव को उसके सेकंड फॉर्म में रखना है और टाइप टू में हम क्या कर रहे थे, देन एनी अदर लगा रहे थे, गौर से सुनो, एनी ए एन वाई। टाइप थ्री में हम मैनी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मैनी, देन मैनी अदर। ठीक है, और सुपरलेटिव में क्या करेंगे, द लगाते थे और एडजेक्टिव के थर्ड फॉर्म लिखते थे ना, लेकिन इधर पे हम क्या करेंगे, सिर्फ द नहीं, हम लिखेंगे वन ऑफ द और उसके बाद एडजेक्टिव जो भी होगा हमारी क्वेश्चन में उसको उसके थर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। ये अपना फॉर्मूला है टाइप थ्री वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हर पॉजिटिव डिग्री एक तरीके से नहीं बनती है। ठीक है, अभी देखो एक क्वेश्चन आपके सामने लिखती हूं मैं। न्यूयॉर्क इज वन ऑफ द क्राउडेस्ट सिटीज इन अमेरिका। ठीक है, अब देखो आपने ये क्वेश्चन रीड करें तो यहां पे क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ द क्राउडेस्ट नहीं है, वन ऑफ द क्राउडेस्ट है। तो आप अपना फॉर्मूला कौन सा निकालोगे, टाइप थ्री वाला फॉर्मूला। ठीक है, पॉजिटिव में चेंज करोगे तो टाइप थ्री वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कंपेरेटिव में चेंज करोगे तो टाइप थ्री वाला फॉर्मूला। ठीक है, सिर्फ द रहा ना द, तो ये टाइप टू वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, है ना। बट अपने क्वेश्चन में तो वन ऑफ द है, तो अपने ये टाइप थ्री है, तो अपन टाइप थ्री का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलो आ जाओ पॉजिटिव डिग्री में इसको चेंज करेंगे, अपना फॉर्मूला टाइप थ्री का क्या बोलता है, पॉजिटिव डिग्री वेरी फ्यू से स्टार्ट होगी, वेरी फ्यू। एग्जेक्टिव की बात क्या है, सिटीज इन अमेरिका ना लिख दो, वेरी फ्यू सिटीज इन अमेरिका। उसके बाद क्या करते हैं हम, एग्जेक्टिव को उसकी फर्स्ट फॉर्म में लेके आते हैं ना, क्राउडर आगे पीछे, सॉरी क्राउडेस्ट। वेरी फ्यू सिटीज इन अमेरिका, सॉरी इज लगाना भूल गई, इज एज क्राउड एज न्यूयॉर्क। ये इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, समझ में आ रहा है, फॉर्मूला अलग, वन ऑफ द है तो टाइप थ्री का फॉर्मूला, सिर्फ द है तो टाइप टू का। अब यही चीज को अपने को क्या करना है, कंपेरेटिव में बनाना है, तो क्या कर देंगे, न्यूयॉर्क इज क्राउडेस्ट, क्या बन जाएगा, क्राउडर और देन मैनी अदर। ठीक है, सिटीज फॉर्मूला है बस और कुछ नहीं है। इज एज क्राउडर नहीं आएगा, इज एज क्राउड फर्स्ट फॉर्म है ना, क्राउडर सेकंड फॉर्म है और क्राउडेस्ट थर्ड फॉर्म है। पॉजिटिव में फर्स्ट फॉर्म होती है क्राउड, कंपेरेटिव में सेकंड होती है और सुपरलेटिव में थर्ड होती है, इसलिए मैं बता रही थी। एडजेक्टिव की फॉर्म अगर आपको आती है तो आप सॉल्व कर पाओगे, वरना गड़बड़ करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यही टॉपिक का। अकबर वॉज ग्रेटर देन मैनी अदर एम्परर्स इन द वर्ल्ड। इसको आपको क्या बोल रहा है, चेंज द डिग्री।
क्वेश्चन रीड करोगे और पहचानोगे कि मेरा क्वेश्चन कौन सी डिग्री में है और कौन से टाइप का है. तो आपने रीड करे, देखे कि भाई ग्रेटर ग्रेटर आ गया, वो आपकी अपनी एडजेक्टिव के सेकंड फॉर्म में, यानी कंपेरिटिव है. अब कंपेरिटिव कौन से टाइप का, टाइप टू या टाइप थ्री? तो आप देखोगे वॉज ग्रेटर देन मैनी. अरे भाई मैनी लगा है, और मैनी कब लगता है? टाइप थ्री के उसमें देख लो, टाइप थ्री में मैनी अदर होता है और टाइप टू में एनी अदर होता है. तो आपने क्या पहचान लिया भाई, मेरा जो क्वेश्चन आया है वो टाइप थ्री के कंपेरिटिव में आया है. तो अब जब मैं इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करूंगा तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा? यही वाली लिस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, यानी मेरा पॉजिटिव डिग्री वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा और सुपरलेटिव डिग्री को वन ऑफ द से स्टार्ट करना पड़ेगा. ठीक है, चलो. यानी अगर आपने ये वाले क्वेश्चन में नो अदर से स्टार्ट करे तो भाई मार्क्स थोड़ी मिलेगा ना. तो अपन क्या लिखेंगे, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे पहले तो इसको, वेरी फ्यू एम्परर्स इन द वर्ल्ड इज एज ग्रेटर. क्या बन जाएगा? फर्स्ट फॉर्म ग्रेट एज अकबर, सॉरी वॉज आएगा उधर पे, पास्ट फॉर्म है. वेरी फ्यू एम्परर्स इन द वर्ल्ड वॉज एज ग्रेट एज अकबर. ये अपना बन गया पॉजिटिव. कंपेरेटिव में क्या होगा? कंपेरेटिव तो क्वेश्चन ही है, सॉरी. यानी कि अपने को इसको क्या करना पड़ेगा, सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट, ऐसा बनेगा क्या? नहीं ना, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बनेगा यार, क्योंकि टाइप थ्री है. टाइप थ्री में देखो सुपरलेटिव में वन ऑफ द लगता है. ठीक है, तो अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, समझ में आ रही है कहानी? हाँ, इधर पे सॉरी, एब्सोल्युटली करेक्ट. एम्परर्स प्रूरल है, प्रूरल है, यस यस, तो वर आएगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. प्लूरल था इसलिए हमने वर लगाए, सिंगुलर हो, ये एम्परर्स है ना, एम्परर्स, इसलिए हमने वर लगाया. ठीक है, सो यहां पे अपना क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक मैंने आपको बताई हूं. मतलब बच्चे लोग को ऐसा लगता है पॉजिटिव डिग्री यानी सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, नहीं, दो फॉर्मूला है. क्वेश्चन का टाइप पहचानना, टाइप टू है, टाइप वन को तो भूल ही जाओ, ठीक है, वो मत करो, आपके एग्जाम में नहीं आता है. ओके, टाइप टू वाला क्वेश्चन है तो ये वाले फॉर्मूला आपको अप्लाई करने हैं तीनों को इंटरचेंज करने में, और टाइप थ्री है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है. समझ में आ गई होगी बात? चलो बीपी भाई को सॉल्व करते फटाफट. फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ चुका है पिछले साल, द गेम फील्ड बैटर इज अ, द गेम फील्ड इज अ बेटर और नोबलर एरेना फॉर देयर एक्टिविटीज देन द क्लासरूम. क्या करेंगे? द क्लासरूम से आंसर अपना स्टार्ट होगा. द क्लासरूम, द, ये तो बहुत लंबा सेंटेंस लोगों ने दिया है. द गेम फील्ड इज अ बेटर और नोबलर. बेटर यानी अपना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कंपेरेटिव फॉर्म में है, क्वेश्चन कंपेरेटिव फॉर्म में है, अपन इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, और यहाँ पे दो चीज को कंपेयर किया जा रहा है, द गेम्स एंड क्लासरूम. तो क्लासरूम को पहले लेकर आ गए, द क्लासरूम, द क्लासरूम इज आगे क्या करोगे बताओ? कौन सॉल्व करके बताएगा इस क्वेश्चन को, जैसा कि मैंने आपको समझाई हूं उसके मुताबिक?
द क्लासरूम इज गुड। अब सुनो मेरी एक बात, जो बच्चों को बिल्कुल भी आता ही नहीं था ये, ठीक है, मतलब डिग्री ऑफ कंपैरिजन आता ही नहीं था और वो अभी पढ़ेंगे, तो मुझे पता है कि आपको बहुत ज्यादा इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए अपना आंसर करेक्ट करने के लिए, ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, हेल्पिंग वर्ब गलत हो गया या तो हमने सेंटेंस आगे पीछे कर दिए। मतलब आप लोग इतना बेसिक तो समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे कोई भी क्वेश्चन को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है तो मेरे क्वेश्चन में जो भी एग्जेक्टिव है अगर आप उसको बस उसके फर्स्ट फॉर्म में लेकर आके उसके आगे पीछे एज एस इतना तो लगा सक इतना तो कर सकते हो ना यार, इतना तो आप कर सकते हो ना कि क्वेश्चन में मेरा बेटर था, आंसर में जो पॉजिटिव बना रहा हूँ तो बेटर को गुड करो, उसके आगे पीछे एज एस लगाओ और आप ना ये क्वेश्चन को अदला बदली करके कैसे भी लिख दो, एग्जामिनर आपको एक में से आधा मार्क्स दे ही देगा और आधा मार्क्स कटा उसमें चल जाएगा यार, कुछ तो मिला ना कम से कम, और वो वैसे भी आपका ग्रामर सेक्शन जो है प्लस होके एट द एंड आधा एक बनी जाता है। तो बेसिक दिमाग में चिपका के रखो, मतलब कुछ बच्चे यहाँ पे सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं मैं देख रही हूँ, है ना, मतलब कंफ्यूज हो जा रहे हैं, बट इतना जो बेसिक चीज है जो फाउंडेशन है डिग्री ऑफ कंपैरिजन का कि भाई देख पॉजिटिव डिग्री बनाएगा तो एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म लगाना, कंपैरेटिव बनाएगा तो सेकंड फॉर्म लगाना और सुपरलेटिव बनाएगा तो थर्ड लगाना, इतना आप अगर अपने आंसर में करते हो तो आधे मार्क्स मिलेंगे और आपका सेंटेंस सही है, ग्रामेटिकल एरर सही है तो आधे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो कम से कम इतना जो है फर्स्ट पार्ट करके तो आप आधा मार्क्स ले सकते हो ना, आधा मार्क्स गया तो छोड़ो ना, आप एक दिन में करके इतने आधा मार्क्स तो लाए कम से कम, ऐसे ही बाकी सारे ग्रामर में भी, ठीक है। तो ये इतना सीरियस मत लो, आगे बढ़ जाओ। चलो, द फ्लड्स ऑफ 1978 वेर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। पहले ना मैंने क्या बोली थी, सेंटेंस का टाइप और वो सब पहचानो, द मोस्ट है, द मोस्ट है देख लो, यानी अपना कौन सा टाइप है कौन बताएगा। पहले तो हमने पहचाने की अपना सुपरलेटिव डिग्री में बैठा हुआ है, ठीक है, और टाइप कौन सा है, टाइप टू वाला है, टाइप टू, क्योंकि द है सिर्फ, वन ऑफ द नहीं है, तो इसको अगर हम क्वेश्चन में क्या है पॉजिटिव डिग्री में चेंज करो तो ये टाइप टू वाला जो क्वेश्चन अपना है जब पॉजिटिव डिग्री में चेंज होता है तो किससे स्टार्ट होता है, नो अदर से ना। तो चलो अपन फिर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके बताओ, बेसिक बता रही हूं ना कैसे करना है, क्वेश्चन को पहचानोगे तो यहां से सॉल्व कर पाओ। सुपरलेटिव डिग्री है टाइप टू का, क्वेश्चन क्या लिखा है कि पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, यानी नो अदर से स्टार्ट होगा, नो अदर फ्लड्स वेर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव क्या बन जाएगा, एज डिस्ट्रक्टिव एज द फ्लड्स ऑफ 1978, ये इसका आंसर बनेगा, ठीक है। मतलब इतना तो यार कर सकते हो ना कि आपको पता है नो अदर लगाना है, एज डिस्ट्रक्टिव एज, बाकी सेंटेंस आगे पीछे हुआ चल जाएगा, मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। वन ऑयल इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको पहचानो कौन सा डिग्री है और कौन से टाइप में बैठा हुआ है, कौन बताएगा जल्दी बताओ। यहाँ पे देखो क्या है, वन ऑफ द वर्ल्ड मेजर, वन ऑफ द कब लगता है सिपाहियों, वन ऑफ द लगता है सुपरलेटिव डिग्री टाइप थ्री में, यानी उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे तो वेरी फ्यू से स्टार्ट करोगे, कंपैरेटिव में देन मैनी अदर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है रिराइट इट नेगेटिव, नेगेटिव है यानी समझ जाओ आपको क्या करना है, इसको पॉजिटिव डिग्री में बनाना है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री जो होती है उसमें वेरी फ्यू लगता है, वेरी फ्यू इज नेगेटिव वर्ड, क्वेश्चन में क्लियरली बोला नहीं है लेकिन अपन समझ गए कि ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है। वेरी फ्यू सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर एज सुपरलेटिव टाइप थ्री का कौन बताएगा इसका आंसर,
सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर एज मेजर एज ऑयल. ठीक है, इतने ही क्वेश्चन देखे भाई डिग्री ऑफ कंपैरिजन के, हाँ बस इतने ही क्वेश्चन आए हैं. ओके, तो ये अपनी कहानी खत्म हो जाती है डिग्री ऑफ कंपैरिजन की. बस एक लास्ट बार आपको फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ, क्वेश्चन आएगा तो पहले पहचानना कि मेरा क्वेश्चन कौन सी डिग्री में बैठा हुआ है और कौन से टाइप का है. अगर टाइप टू से आया है तो मेरा पॉजिटिव डिग्री नो अदर से स्टार्ट होगा, नो अदर से स्टार्ट होगा. कंपैरेटिव डिग्री में क्या करना है, देन एनी अदर लगाना है और सुपरलेटिव में द लगाना है और नो अदर के बाद एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म, देन एनी अदर का सेकेंड. टाइप थ्री से अगर मेरा क्वेश्चन आया है तो मेरा पॉजिटिव डिग्री किससे स्टार्ट होगा, वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा और देन मैनी अदर लगा होगा कंपेरेटिव में और सुपरलेटिव में वन ऑफ द होगा. ठीक है, चलिए जी अभी अपन नई गाड़ी लेकर जाते हैं न्यू टॉपिक की तरफ जहां पे हम समझेंगे आर्टिकल. हैशटैग नंबर सेवन, हैशटैग नंबर सेवन, आ जाओ जल्दी. हैशटैग नंबर सेवन, आर्टिकल. बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है, ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है. आर्टिकल जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, ए एन द. ठीक है, ए और एन हम कब लगाते हैं, कोई भी चीज को सिंगुलर बताने के लिए, यानी कोई भी चीज वन है, वन. ठीक है, अगर एक सेब रखा हुआ है तो मैं क्या बोल सकती हूं, दिस इज वन एप्पल, वन एप्पल. अब ये वन हटा के मैं ए भी बोल सकती हूं, दिस इज अ एप्पल. लेकिन ये बात गलत हो जाएगी, क्यों, बिकॉज ए और एन दोनों लगते हैं सिंगुलर बताने के लिए, लेकिन लेकिन ए लगेगा कब सारे, सॉरी एन लगेगा कब सारे वॉवल्स के साथ. वॉवल्स पता है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के साथ हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे. और बाकी सारे जो अपने वर्ड्स है, जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ बुक, बुक, बुक तो ए ई आई ओ यू में नहीं आ रहा है, ए ई आई ओ यू छोड़ के बाकी सारे जो वर्ड्स है वो आ रहे हैं तो हम ए लगाएंगे, तो दिस इज अ बुक. ठीक है, तो ये अपना क्या है, आर्टिकल. लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, लेकिन आर्टिकल ए एन में क्या है, एक ट्विस्ट है, गौर से सुनो. सिंगुलर चीज बताने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ए और एन. मैंने क्या बोली, एन कब लगेगा, जो भी वर्ड ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहे. ठीक है, जैसे कि आपका कोई भी क्वेश्चन आया है, ऐसा सा, सा, सा लिखा हुआ है, डैश है और फिर क्या लिखा हुआ है, अम्ब्रेला. ठीक है, थेफ्ट बाय द सोपी, थेफ्ट बाय द सोपी. तो आपको बोला है भाई इसमें आर्टिकल लगाओ, तो डैश के बाद जो आपका वर्ड है वो यू से स्टार्ट हो रहा है, यू से. और यू देखो ना, यू किधर पे है, ए ई आई ओ यू के अंदर है, तो अपने को एन लगाना है. सिंपल है बहुत. ठीक है, कोई भी आपका वर्ड जो है अगर ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा है तो आप एन का इस्तेमाल करोगे, और अगर वो ए ई आई ओ यू नहीं है, बी सी डी एफ जी ये सारे वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो अपन क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे. ठीक है, रुक जाओ, जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा हो गार्डन, तो ये जो गार्डन वर्ड है, ठीक है, ये तो ना ए है, ई है, आई है ही नहीं, वॉवल ही नहीं है, तो अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे, अ गार्डन. ठीक है, अभी एक बात गौर से सुनो, ये सिर्फ और सिर्फ पूरा वॉवल्स पे डिपेंड नहीं है. कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि स्टार्ट तो यू से हो रहे होते हैं बट उनकी आवाज अलग होती है. तो हम क्या करेंगे, एन सिर्फ और सिर्फ वॉवल्स पे डिपेंड नहीं रहेंगे, हम जो है एन क्या करेंगे, आवाज पे भी जाएगा. बोलिए कौन सी आवाज की बात कर रहे हो यार मैम, आवाज आनी चाहिए अ की, अ. ठीक है, अ आ ई ई उ ऊ ए आई ओ औ अम अहा वाला जो अपना हिंदी है ना, वो वाले सारे वर्ड्स की अगर कोई भी आपके इसमें आवाज आ रही है तो उसके साथ एन लगना चाहिए. अब देखो जैसे ये यूनिवर्सिटी, ये एक वर्ड है यूनिवर्सिटी, और आपको बोल रहे हैं कि साथ इसके साथ एक आर्टिकल लगाओ, तो जो कोई बच्चा को क्या है, यू देखेगा
ठीक है, यू देखेगा कि ओके ठीक है यू है, ए या यो यू या एन लगा देगा, लेकिन नहीं, इसकी आवाज देखो, यू य य य की आवाज आ रही है। यू कैसे लिखते हैं हम हिंदी में? तो ये आ इ ई उ ऊ वाला तो सीन है ही नहीं, ये तो य में जा रहा है। तो आपको आवाज याद रखनी है। उसी प्रकार से दूसरा अगर हम एग्जाम्पल ले, है ना, तो इधर पे एन नहीं आना चाहिए, क्यों, मैंने क्या बोले, ट्विस्ट है ना, आवाज अपने को देखना है, तो इधर पे क्या लगेगा, अ लगेगा, क्यों, बिकॉज इसकी आवाज य की है, भले ही दिखने में ये यू है। उसी प्रकार से ऑनेस्ट, अभी ये क्या है, ऑनेस्ट वर्ड है, इसके सामने अगर आपको बोल रहे हैं भाई आर्टिकल लगाओ, आर्टिकल लगाओ, तो यहाँ पे देखो क्या है, कोई बच्चा को पता नहीं कि आवाज देखना है तो देखेगा एच, एच है, ये ए ई आई ओ यू में तो आता ही नहीं है, चलो मैं ए लगा देता हूँ, ए लगा देगा, है ना, लेकिन नहीं, इसकी आवाज देखो, हम इसको हॉनेस्ट रीड नहीं करते, हॉनेस्ट रीड करते हैं क्या, नहीं ना, हम इसको कैसे रीड करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ऑनेस्ट है, अ अ अ की आवाज आ रही है, अ आ ई ई ओ औ, तो अ की आवाज जहां भी आ रही है आप वहां पे एन लगाओगे। तो जो भी वर्ड आपके एग्जाम में आ रहा है उसका अगर प्रोनाउंसिएशन अ से है तो आप एन लगाओगे, बाकी सब में ए। तो पूरी कहानी ए ई आई ओ यू में नहीं है, बिकॉज कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। तो ये अपनी क्या हो गई, ए और एन की कहानी हो गई। अब कहानी है तीसरा आर्टिकल जो कि है अपना द, तीन आर्टिकल है ए एन और तीसरा है द। चलो द की कहानी देखते हैं, द कब लगता है, सबसे पहले तो अपन ने देख लिए सुपरलेटिव चीज के साथ, देखे कि नहीं देखे बताओ, लगा रहे थे ना, द ग्रेटेस्ट, द लार्जेस्ट, है ना, तो सुपरलेटिव डिग्री अगर कोई भी है, जैसे कि मोस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, आपके एग्जाम में कोई सेंटेंस आया है और इधर पे ऐसा लिखा है ग्रेटेस्ट और डैश है, तो ग्रेटेस्ट देखो ना, ग्रेटेस्ट अपना एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म, और एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म सुपरलेटिव होता है, तो उसके पहले हमेशा द लगता है ना, द ग्रेटेस्ट, द स्मार्टेस्ट, द टॉलेस्ट, द जो भी है। तो ये पहला हो गया कि अपन द कब लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री के साथ। तीसरा, कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा लीजेंडरी है, लीजेंडरी, द ग्रेट खली या तो फिर द ग्रेट हिमालय, कोई भी ऐसी चीज जो बहुत यूनिक है, बड़ी है और अपन उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ अपन द लगाते हैं। जैसे कि अपने इंडिया में जितनी भी नदियां है, रिवर्स है, उसके साथ अपन द लगाते हैं, जितने भी माउंटेन्स है उसके साथ अपन द लगाते हैं, द हिमालय, द ब्रह्मपुत्र, द गंगा, जितने भी न्यूज़पेपर है, ठीक है, इसको अपन रिस्पेक्ट देने के लिए क्या बुलाते हैं, द से, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द इकोनॉमिक्स टाइम, ठीक है। तो आपके एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है जिसके आगे माउंटेन का नाम है, रिवर का नाम है, न्यूज़पेपर का नाम है, तो आप कौन सा आर्टिकल डालोगे, द डालोगे। उसके अलावा कोई भी होली बुक है, द बाइबल, द कुरान, द भगवत गीता, तो उसके साथ भी अपन क्या लगाते हैं, द, क्योंकि रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं द लगाकर, ठीक है। और उसके अलावा कोई भी चीज बहुत ह्यूज है, जैसे कि वर्ल्ड, यस, द कृष्णा, बिल्कुल सही, द अकबर, जो भी आपको देना है, मतलब आप जिसको भी देना चाहते हो, ठीक है, कोई भी चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर है तब भी, ओके, और क्या बोली थी मैं, कोई भी चीज बहुत ज्यादा बड़ी है, जैसे कि अगर सीधा अर्थ की बात करें, वर्ल्ड, अर्थ, मार्स, गैलेक्सी, ये सारी चीज कितनी ह्यूज है साइज में, है ना, भले ही एक है, भले ही एक है, लेकिन क्वालिटी क्या है इसकी, कि बहुत बड़ा है, अर्थ जो है भाई कितना बड़ा है, अपनी गैलेक्सी इतनी बड़ी है, आसमान, स्काई कितना बड़ा है, गंगा रिवर कितना बड़ा है, गंगा एक है, पर ये गलत फहमी मत कर देना कि गंगा एक है तो मैं क्या कर देता हूँ, ए लगा देता हूँ, नहीं, एक है लेकिन अपन रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो साइज में बड़ा है, यूनिक है, बहुत अच्छा है, इसलिए, ठीक है। तो द अपन कब लगाएंगे, देने के लिए। चलो अभी अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, आ जाओ, ये वाला स्किप करो, प्रीपोजिशन, ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन आओ, ही वॉन्टेड टू बिकम डैश आर्टिस्ट एंड लिव इन हिमालयाज, हिमालयाज, देखो हिमालय माउंटेन है ना, मैं क्या बोली, कोई भी माउंटेन का नाम आया तो आप द लगा दोगे, तो यहां पे आ जाएगा द, ठीक है। द, ओके, थर्ड वाला, ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ, ये वाला आ जाओ इधर पे, द हिमालयास। अब ही वॉन्टेड टू बिकम
आर्टिस्ट है ना, तो ये आर्टिस्ट तो कोई इतना बड़ा मतलब इंसान है कि इसके साथ अपन द लगाए, तो अपन चूज करेंगे ए और एन में से, ए और एन, आर्टिस्ट आ की आवाज आ रही है तो एन लग जाएगा, ही वॉन्टेड टू बिकम एन आर्टिस्ट एंड लिव इन द हिमालयाज। जे आर डी टाटा वॉज डैश अमेजिंग पर्सनैलिटी। अमेजिंग पर्सनैलिटी ये तो कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो अपन द लगाए। एन अ की आवाज आ रही है इसलिए, ही ऑलवेज हेल्प्ड पुअर इन द कंट्री, द पुअर, क्योंकि यहां पे देखो गरीब लोग की बात हो रही है पूरे देशों में, सिर्फ एक गरीब की बात नहीं हो रही है, पूरे देश में जितने भी गरीब है सबकी बात हो रही है, तो साइज में ह्यूज हो गए ना लोग, तो ह्यूज है तो द आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, व्हेन अर्थक्वेक स्ट्राइक वर्ल्ड ट्रेम्बल। अर्थक्वेक बड़ी चीज है तो द आएगा, वर्ल्ड बड़ी चीज है तो द आएगा, व्हेन अर्थक्वेक स्ट्राइक द वर्ल्ड ट्रेम्बल। शी वॉज सर्विंग एज क्लर्क, क्लर्क तो कोई ऐसी बड़ी ह्यूज थिंग नहीं जो अपन द लगाए, तो ए और एन में से चूज करेंगे, क्लर्क क क की आवाज आ रही है ना तो ए आ जाएगा, शी वॉज अ सर्विंग क्लर्क इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सारे बैंक को अपन रिस्पेक्ट देते हैं तो इसके साथ द लगाते। ठीक है, तो समझ में आ रही होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई रीड इंटरेस्टिंग स्टोरीज फ्रॉम महाभारत। आई यहाँ पे अभी डैश भी नहीं दिया, डैश अगर नहीं है तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सेंटेंस। एन इंटरेस्टिंग स्टोरीज फ्रॉम महाभारत, देखो होली बुक है ना तो इसलिए द आएगा। आई रीड एन इंटरेस्टिंग बुक फ्रॉम दी महाभारत। ठीक है, ये तो वही सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आर्टिकल की कहानी, कोई भी बड़ी चीज है और एक है या दो है, कितनी भी है अपन द लगाएंगे, कोई भी एक चीज है पर वो इतनी बड़ी नहीं है, नॉर्मल सी चीज है, तो ए और एन में से चूज करेंगे, अ की आवाज है तो एन, और नॉर्मल क ख ग च मल जो भी है, ल र श जो भी है, उसके साथ अपन क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। समझ में आ रही होगी बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रामर का टॉपिक, हैशटैग नंबर 6 7 8 8 है, हैशटैग नंबर 8, WH क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है भाई, रसोड़े में कौन था। 5 सेकंड का थोड़ा सा वो लेते हैं ब्रेक, और फिर थोड़ा सा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यस यस, 11th वाला जो मैं सैंपल पेपर आपको भेजने वाली हूँ, वो वाला सैंपल पेपर पर आप मेरे को सॉल्व कर। ये बड़ा पता है आपको, रसोड़े में कौन था, सब बता रहे बराबर, रश्मि थी। तो गौर से सुनो, 5 सेकंड हो गए। आठवां टॉपिक अपने ग्रामर का जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो है डब्ल्यू एच क्वेश्चन। डब्ल्यू एच क्वेश्चन मतलब क्या, वो सारे क्वेश्चन जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं, जैसे कौन कौन से है भाई, डब्ल्यू से कौन स्टार्ट होता है, वॉट, वाई, वेर, हुम, हुज, ठीक है, और एक और बेचारा है जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट तो नहीं होता बट उसको डब्ल्यू एच में अपन ने डाल के रखे हैं, और वो है हाउ। ठीक है, बेचारा डब्ल्यू एच से स्टार्ट नहीं होता है लेकिन डब्ल्यू एच है ये मानना, ओके। और भी ऐसे बहुत सारे अपने डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में एक सेंटेंस लिखा होता है, ठीक है, ऐसा देखो क्या आएगा पता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक सेंटेंस लिखा होगा और एक वर्ड में अंडरलाइन किया होगा। मैं अभी सॉल्व करवाऊंगी पिछले साल के क्वेश्चन, तो आप देखना क्या होता है पता है, आपके एग्जाम में एक सेंटेंस आएगा, उस सेंटेंस में से कोई भी एक वर्ड में अंडरलाइन किया होगा और आपको बोलेगा कि देख भाई ये जो एक वर्ड है मैंने अंडरलाइन किया हूं ना, इसके ऊपर तू एक ऐसा डब्ल्यू एच क्वेश्चन बना कि जब तेरा आंसर आए तो वो आंसर हमेशा ये हो, अंडरलाइन वाला वर्ड हो। तो अभी देखो अपने को ऐसा क्वेश्चन बनाना है जिसका आंसर रसोड़ा हो। रसोड़ा, रसोड़े में रस्सी थी, ठीक है, ये एक सेंटेंस है और यहाँ पे क्या है, अंडरलाइन है, और अपने को बोला है कि देख भाई डब्ल्यू एच क्वेश्चन ऐसा बना जिस तेरा आंसर रसोड़ा आना चाहिए, तो अपन क्या क्वेश्चन बनाएंगे, अपन क्वेश्चन बनाएंगे रसोड़े, अरे सॉरी, अपन क्या बनाएंगे, रश्शि किधर थी, ये बनाएंगे ना, रश्शि किधर थी,
थी और क्वेश्चन मार्क। तो ये किधर, इंग्लिश में किधर को क्या बोलते हैं? वेर। तो अपन ने कौन सा डब्ल्यू एच क्वेश्चन का इस्तेमाल करे? वेर। अगर यही क्वेश्चन में अगर ऐसा होता, अगर देखो क्वेश्चन ऐसा होता तो आप क्या करते? मेरे को बताओ। क्वेश्चन अब ये नहीं है, हटा दो इसको। अब क्वेश्चन ये है तो आपका आंसर क्या होता? गौर से देखो, क्या बोला है? रसोड़े में रस्सी थी और रस्सी को अंडरलाइन करके रखे हैं और बोल रहे हैं देख भाई एक ऐसा डब्ल्यू एच क्वेश्चन बना जिसका आंसर रस्सी आना चाहिए। तो अपन क्या बनाएंगे? अपन बनाएंगे रसोड़े में कौन था, है ना? अपन को आंसर क्या बनाएंगे? अपन बनाएंगे भाई रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी, कौन था? तो रसोड़े में कौन था, इसका आंसर क्या आएगा? रस्सी ना। समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में जो वर्ड अंडरलाइन है अपने को ऐसा बनाना है कि भाई उसका आंसर वो आना चाहिए। तो रसोड़े में कौन था अपन ने बना, इसका आंसर क्या आएगा? रस्सी। अपन ने बना दिए तो इंग्लिश में क्या आएगा? अपन कौन सा इस्तेमाल करेंगे? कौन, कौन को क्या बोलते हैं? हु। डब्ल्यू एच क्वेश्चन है ना, हु। समझ में आया? चलो अभी पी वाई क्यू सॉल्व करते हैं, देख लो। देखो सेम जैसे मैंने बताया, डैश क्या किसको किया गया है? इन द 19th सेंचुरी, इन द 19th सेंचुरी देर वेर थर्ड क्लास कैरेजेस, फॉर्म अ डब्ल्यू एच क्वेश्चन टू गेट दी अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर। क्या है? कुछ ऐसा डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनाना है जिसका आंसर क्या आना चाहिए? 19th सेंचुरी। क्या बनाओगे, क्या बनाओगे? डब्ल्यू एच क्वेश्चन ऐसा बनाना है जिसका आंसर 19th सेंचुरी हो। देर वेर थर्ड क्लास कैरेजेस वेन विच, इन विच सेंचुरी? यस, विच का इस्तेमाल करेंगे। इन विच सेंचुरी देर वेर थर्ड क्लास कैरेजेस। तो ये मैंने जो अपना डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनाई हूं, इसका आंसर क्या होगा कि भाई कौन सी सेंचुरी में थर्ड क्लास कैरेजेस थे? तो मेरा आंसर क्या आएगा? 19th सेंचुरी में थे, इन द 19th सेंचुरी। यही तो लोग बोल रहे थे कि भाई जो अंडरलाइन वर्ड है वो तेरा आंसर होना चाहिए। आंसर निकल रहा है कि नहीं? या वेन कब इस्तेमाल कर सकते हो आप? बिल्कुल यस, वेन अगर आप लिख रहे हो तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। वेन देर वेर थर्ड क्लास कैरेजेस, अगर आप वेन भी लिख रहे हो यू विल गेट मार्क्स, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरीवन गैदर्ड एट द गेट ऑफ गार्डन, अंडरलाइन ये लोग ने किए हैं एट द गार्डन, एट द गेट ऑफ गार्डन। क्या बनाओगे कि आपका आंसर अंडरलाइन वाला वर्ड आए? बताओ कौन सा डब्ल्यू एच क्वेश्चन उठाओगे? Where did everyone gather? क्या बात है, फाइजा फुल फॉर्म में। यस, तो इसका आंसर देखो क्या बनेगा? वेर, किधर पे, क्योंकि जगह है और जगह को अपन हमेशा वेर से बोलते हैं ना। वेर, वही वाली कहानियां, हमेशा डब्ल्यू एच क्वेश्चन के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो ये वाले क्वेश्चन, वेर डिड, क्योंकि क्वेश्चन में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो अपन डिड के साथ चले गए। यहाँ पे भूल गए, इन विच सेंचुरी, हाँ यहाँ पे वेर था ना। इन वेर डिड एवरीवन गैदर, ये अपना आंसर रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना नहीं। फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं है, ठीक है? ये पूरा का पूरा डिपेंड है कि आपका जो अंडरलाइन वर्ड है ये अगर कोई जगह है तो आप वेर का इस्तेमाल करोगे, अगर कोई टाइम है तो वेन का इस्तेमाल करोगे, कोई डेट है तो वेन का इस्तेमाल करोगे, कोई इंसान के बारे में बात हो रही है तो हु का इस्तेमाल करोगे, कोई नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है तो विच का इस्तेमाल करोगे। थोड़ा बेसिक सेंस में भी आता है, ठीक है, कि अगर आपको इंग्लिश समझती है आप तो कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोलॉजिस्ट कॉल दिस मूवमेंट एज अ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आपका आंसर होना चाहिए, क्या क्वेश्चन बनाओगे? जियोलॉजिस्ट कॉल दिस मूवमेंट एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। यस अनुजा, करेक्ट। माइंड मैपिंग पेन से बनाना है ओम,
अगर आपको नहीं जम रहा है तो पेंसिल से बनाओ और उसको पेन से आउटलाइन कर देना, बट आपको पेन से डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। डायग्राम्स मतलब ऐसा अपन डायग्राम्स तो ऐसा हो रहा है पता नहीं है कितने बायोलॉजी के आपको हार्ट ब्रेन बना के आना है, नॉर्मल सा ट्री डायग्राम ही बनाना है, ज्यादा टेंशन मत लो। यस गैदर गैदर, क्योंकि डीड आया ना, डीड आ गया तो अपना वो फर्स्ट फॉर्म पकड़ लिया। जियोलॉजिस्ट कॉल दिस मूवमेंट एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, तो वॉट 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 के बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब लू? क्वेश्चन में तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, क्वेश्चन में तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो डू डज डिड आएंगे मदद करने के लिए, है ना। क्वेश्चन मेरा क्या है, प्लूरल है, देखो जियोलॉजिस्ट है तो मैं क्या लगाऊंगी, डू लगाऊंगी, डू। वॉट डू जियोलॉजिस्ट कॉल दिस मूवमेंट, मेरा आंसर क्या बन, क्वेश्चन क्या बना है, वॉट डू जियोलॉजिस्ट कॉल दिस मूवमेंट, आंसर क्या आएगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। जियोलॉजिस्ट कॉल दिस मूवमेंट एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, तुम्हारा आंसर आ रहा है ना बराबर, तो ये इसका याद रखना, डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, क्वेश्चन में जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगाओ, क्वेश्चन वर्ब में नहीं है तो डू डज डिड अपना सेम फॉर्मूला इधर पे आएगा, ठीक है। तो ये अपनी कहानी हो गई डब्ल्यू एच क्वेश्चन की खत्म। अब न्यू क्वेश्चन अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यू टॉपिक सॉरी, जो कि है अपना हैशटैग नंबर 9 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाइला। एक मिनट, हैशटैग नंबर 9 क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना नहीं, यहां क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो फिर आधे मार्क्स कट हो जाएंगे, डब्ल्यू एच क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लगाना इज कंपलसरी। डिड नहीं आएगा प्रथमेश, क्योंकि आपने डिड लगा दिया मतलब आपने क्वेश्चन को पास्ट में कर दिया, अपना क्वेश्चन पास्ट टेंस में नहीं था, क्वेश्चन का टेंस बदलना नहीं है, दिमाग में चिपकाओ ये बात। क्वेश्चन अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रखना है, डू डस प्रेजेंट में होता है, पास्ट अगर है तो आप डिड लो ना, ठीक है। यस यार, ब्लैक ब्लू जो पेन आपको लेना है लो, इतनी बात आपके अब तक क्लियर हो जानी चाहिए, ये तो बेसिक क्वेश्चंस प्लीज। चलो नेक्स्ट ग्रामर का टॉपिक एक्सक्लेमेटरी हाइला जी, हाइला हाइला कब बोलते हैं, जब बहुत ज्यादा अपन शॉक्ड हो जाते हैं तब बोलते हैं, और एंड में देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जब हम कोई भी चीज को शॉक्ड होते हैं तब अपने मुंह से वो बात निकली होती है, एक्साइटमेंट बोलते हैं, एक्साइटमेंट हो रहे होते हैं तब, या गुस्से में चिल्ला रहे होते हैं, मतलब कोई भी ऐसी बात जो हम फोर्स के साथ बोल रहे हैं, फिर अपना उस वक्त इमोशन शॉक्ड में है, एक्साइटमेंट है, हैप्पीनेस, खुश हो के वाओ आई एम हैप्पी कि मेरे को इतना बड़ा सरप्राइज मिला, खुश हो रहे तो तब एक्सक्लेमेटरी, गुस्से में कि भाई तूने अब तक पढ़ा नहीं, तो ऐसा समझ में आया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इंग्लिश ग्रामर में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वो हाउ से स्टार्ट होता है, और दूसरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, वॉट ए से, ठीक है, या तो वो यहां आर्टिकल की बात इधर पर आ गई, वॉट एन से, आर्टिकल अब समझ में आ गया है ना, क्वेश्चन में वॉट ए कब लगाना है और एन, सिंपल है वो, क्वेश्चन में जैसा रहेगा वैसी कॉपी पेस्ट ही करना है वैसे भी। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो तरीके से स्टार्ट होते हैं, एक होता है हाउ वाला और एक होता है वॉट वाला। अगर आपके क्वेश्चन में, अगर आपके क्वेश्चन में अ लगा हुआ है, अ लगा हुआ है, तो आप अपना सेंटेंस किससे स्टार्ट करोगे, वॉट से। जैसे कि देखो, अगर मैं यहां पे एक सिंपल सा सेंटेंस लिखती हूं, क्या, डेट इज अ टॉल बिल्डिंग, ये मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस आपके सामने लिखी और आपको बोल रही हूं कि मेक इट एक्सक्लेमेटरी, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप पहचानोगे कि मेरे को कौन सा लगाना है भाई, मैं एक्सक्लेमेटरी हाउ वाला लगाऊं या व्हाट वाला लगाऊं। मैंने क्या बोली, व्हाट कब लगाओगे, जब आपका सेंटेंस में ए रहा या तो एन रहा,
तो देखो अपने सेंटेंस में ए है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई कि भाई मेरा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट होने वाला है, मेरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट होने वाला है व्हाट से। इतनी बात पहले क्लियर हो जानी चाहिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन में ए है तो मैं भी व्हाट अ के बाद क्या लिखा है, टॉल बिल्डिंग, व्हाट अ टॉल बिल्डिंग हमेशा बचपन से आप पढ़ते आए हो, पता ही होगा कि जब भी हम कोई एक्साइटमेंट चौके जैसे बोलते हैं ना कि कितनी खूबसूरत है वह, कितनी बड़ी बिल्डिंग है वह, तो जो वह है वह यानी कि जो अपना हेल्पिंग वर्ब है वो एंड में जाता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या है वो, हेल्पिंग वर्ब है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, डैट को पहले लिखना पड़ेगा और इज को बाद में और एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, व्हाट अ टॉल बिल्डिंग डैट इज, व्हाट अ टॉल बिल्डिंग डैट इज, हेल्पिंग वर्ब एंड में जाएगा। ठीक है, अभी देखो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दूसरा। ये तो अपने नॉर्मल सेंटेंस की बात हो गई, ठीक है नॉर्मल। अब कुछ सेंटेंस में क्या हो रहा होगा, वेरी लगा होगा, एक्सट्रीमली, ठीक है, इमेंसली। सुनो गौर से, आपके क्वेश्चन में ये सारे वर्ड्स अगर आ रहे हैं तो ये सारे वर्ड्स को जब आप आंसर में कन्वर्ट करोगे तो निकाल देना। क्यों हम निकालेंगे, देखो बताती हूं एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन है, शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, ठीक है, नॉर्मल सा सेंटेंस है, आपको बोला है मेक इट एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी। तो आपने क्या देखे, मेरा जो क्वेश्चन है इसमें ए और एन तो है ही नहीं, यानी मेरा क्वेश्चन किससे स्टार्ट होगा, मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा हाउ से, अगर ए एन होता तो व्हाट से स्टार्ट कर, हाउ, क्या बोली, क्वेश्चन में हम एक्सट्रीमली, वेरी, इमेंसली ये सारे वर्ड हटा देंगे। क्यों, बिकॉज एक्सट्रीमली शो करता है बहुत ज्यादा कोई चीज की हाई क्वालिटी, और इसको हम हटा रहे हैं क्यों, क्योंकि हम अपने सेंटेंस की एंडिंग एक्सक्लेमेशन से करने वाले हैं। ये सेंटेंस जब एंड होगा तो उसके एंड में एक्सक्लेमेशन लगेगा जो कि खुद में एक्साइटमेंट शो करता है। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस में फुल स्टॉप लगा है, हम जब एक्सक्लेमेटरी बना रहे हैं तो अपने जो फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में भी वो सारे बड़े जो एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं वो सबको निकाल देंगे। ठीक है, तो अपना आंसर क्या बनेगा, हाउ। अब इसके बाद क्या था, एक्सट्रीमली के बाद वाला वर्ड लगाएंगे, हाउ ब्यूटीफुल, क्या बोली थी, हेल्पिंग वर्ब एंड में रहेगा ना, शी इज और एक्सक्लेमेशन, हाउ ब्यूटीफुल शी इज एक्सक्लेमेशन मार्क, समझ में आया। तो ये सबसे पहला आपका रूल क्या है कि मेरे को क्वेश्चन, मेरा जो आंसर है वो मेरे को हाउ से स्टार्ट करना है या व्हाट से स्टार्ट करना है, इतना क्लियर हो जाएगा। फिर आपको देखना है भाई मेरे क्वेश्चन में जो भी ऐसे वर्ड है जो एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं उसको मैं निकाल दूंगा, ठीक है, और अपना सेंटेंस बनाऊंगा। ठीक है, चलो अभी एक और क्वेश्चन आपको देती हूँ, इसको सॉल्व करके बताओ। How beautiful she is, question mark नहीं, exclamation लगाना है, YJ gaming, exclamation लगाना है, ठीक है। और इसका रिवर्स भी आ सकता है, अगर क्वेश्चन एक्सक्लेमेटरी है और आपको बोल रहा है अफर्मेटिव बनाओ, असर्टिव बनाओ, तो समझ जाना मेरे को क्या करना है, एक्सक्लेमेशन हटाना है, हाउ वॉट हटाना है, रिवर्स करना है। ठीक है,
इसको एक्सक्लेमेटरी कौन बना के बताएगा? हु विल मेक दिस सेंटेंस इन टू एक्सक्लेमेटरी? दो ही है यार, और कुछ नहीं है। जितना बता रही हूँ बस उतना करो, या तो हाउ से स्टार्ट होगा या तो व्हाट से। पहले तो डिसाइड करो कि किससे स्टार्ट होगा ये सेंटेंस। क्वेश्चन पहचानो, जल्दी बताओ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू याद दिलाने के लिए, बस बोल दी। वॉट अ गुड एक्सपीरियंस डेट वॉज, एब्सोल्यूटली करेक्ट। तो अपन ने क्या पहचाने कि मेरे क्वेश्चन में मैंने क्या बोली थी, ए और एन रहा तो मेरा क्या स्टार्ट होगा, वॉट से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखो इमेंसली को निकालना पड़ेगा ना। ये एन इसके साथ क्यों लगा था, क्योंकि इमेंसली ई के ई की आवाज इसलिए लगा हुआ था। अब मैंने अपने आंसर में से इमेंसली को तो हटा दी है ना, उसके बाद क्या है, वॉट गुड एक्सपीरियंस में लिखूंगी ना। तो ग, यहाँ पे ग की आवाज आ रही है, ग के साथ मैं एन क्यों लगाऊं? हमने आर्टिकल अभी पढ़े, ग ग ग कहां से, ग में कहां से एन आएगा, तो अ लगाएंगे हम इधर पे। तो वॉट अ गुड एक्सपीरियंस, ठीक है, मतलब ये एन इमेंस के बाद जो भी होगा वो हम लिख देंगे, और फिर वॉट अ गुड एक्सपीरियंस डेट वॉज, बस इतना ही करना है। इजी है ना, ज्यादा टफ नहीं है, बस समझना है आपको, बेसिक बेसिक चीजें समझ लोगे तो कर लोगे, सब आसान है। चलो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ जाएगा अपन। द नाइट वॉज वेरी हॉट, मेक इट एक्सक्लेमेटरी। द नाइट वॉज वेरी हॉट, पहले पहचानो व्हाट से स्टार्ट होगा या हाउ से। ऋषभ मैंने क्या बोली, वेरी इमेंसली, ये सारे वर्ड आपके आंसर से निकल जाएंगे, प्लीज आपको ये सारे वर्ड अपने आंसर में नहीं डालने। हाउ हॉट, द किधर गया, यस हाउ हॉट द नाइट वॉज, एब्सोल्यूटली करेक्ट। तो हमने पहले क्या बताने, ए एन तो है ही नहीं, तो अपना आंसर हाउ से स्टार्ट होगा, हाउ, ठीक है। वेरी हटाएंगे, वेरी वेरी हटा दिए, उसके बाद जो भी वर्ड था वो लिख देंगे, वेरी के बाद क्या है, हॉट, हाउ हॉट, ठीक है। फिर बचा है ये वाला सेंटेंस, लिख दो ना, हाउ हॉट द नाइट वॉज, खत्म कहानी, और एक्सक्लेमेशन लगा दो एंड में, खत्म, ठीक है। अब आपके देखो पिछले साल क्वेश्चन आया है रिवर्स वे में आया है, रिवर्स, हाउ हॉट द नाइट वॉज लिखा हुआ है, और लिखा है मेक इट असर्टिव। असर्टिव आया मतलब क्या, आपको एक सिंपल सा सेंटेंस बना इसका एंडिंग फुल स्टॉप से हो। असर्टिव मतलब क्या, ऐसा सेंटेंस जिसकी एंडिंग फुल स्टॉप से हो, ठीक है। तो ये वाली बात अपनी इधर पे आ जाएगी, समझ में आ रही कि नहीं। रिवर्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रिवर्स, द नाइट वॉज, एक्सक्लेमेशन हटा देंगे, उसके बदले में वेरी डाल दो, इमेंसली डाल दो, जो डालना है डाल दो, द नाइट वॉज वेरी हॉट, हाउ को भी हटा देंगे फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये थी एक्सक्लेमेटरी की कहानी। फाइनली हमारे मोस्ट ऑफ द ग्रामर हो चुके हैं, अब कुछ चिंदी चिंदी टॉपिक बाकी है, बस जल्दी आ जाओ। हैशटैग नंबर 10th ग्रामर की टॉपिक वर्ड रजिस्टर, एकदम चिंदी है, एकदम मक्खन मलाई है भाई, जल्दी आ जाओ। बहुत इजी था वो एक्सक्लेमेटरी, हाउ से स्टार्ट करना है या व्हाट से, बस वॉज वेरी इमेंसली वगैरह हटा देना है और वर्ड लिख के एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना। चलो
नेक्स्ट ग्रामर का टॉपिक है इतना चिंदी कि भाई अपन भी शर्मा जाए ये टॉपिक पढ़ने के लिए, कि भाई 12वीं के बच्चे लोग को ये इतना चिंदी टॉपिक कौन देता है यार आपके सिलेबस में है वर्ड रजिस्टर। वर्ड रजिस्टर क्या होते हैं आपके एग्जाम में, देखो नाम से ही लग रहा है रजिस्टर। रजिस्टर मतलब क्या कि कोई ऐसी बुक, आपके टीचर लोग रजिस्टर लेके घूमते हैं ना, ये मेरे क्लास 12th का रजिस्टर है, मतलब क्लास 12th के बच्चे लोग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, क्लास 12th से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक रजिस्टर में लिखी होती है ना। तो वर्ड रजिस्टर क्या होते हैं, आपके एग्जाम में कोई भी एक शब्द दिया होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल गार्डन, ठीक है, और आपको बोला जाएगा कि देख भाई इसका वर्ड रजिस्टर बना। तो वर्ड रजिस्टर बना मतलब क्या कि भाई गार्डन से रिलेटेड जितनी भी तेरे दिमाग में चीज आ रही है वो लिख दे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 चीज लिख देगी अपन। गार्डन से और क्या चीज याद आती है भाई, फ्लावर लिख दो ना, बेंच लिख दो ना, गार्डन में और क्या होता है, ट्रीज आ रहा है दिमाग में, ट्रीज लिख दो, है ना। ऐसे ही अपनी सिंपल सिंपल फ्लावर बेंच ट्री और क्या होता है भाई गार्डन में, बर्ड स्विंग्स, है ना, एकदम सिंपल यार, बच्चा बच्चा कर लेगा इसको तो, ठीक है। तो वर्ड रजिस्टर मतलब क्या होता है कि अपने को कुछ सिंपल से वर्ड्स दिए होंगे उसका रजिस्टर बनाने में, मीनिंग मत लिख देना, मीनिंग सिनोनिम्स अलग है, वर्ड रजिस्टर मतलब उससे मिलते जुलते वर्ड, मिलते जुलते वर्ड। अभी कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे वर्ड रजिस्टर बोल दिया तो क्या करोगे, कंप्यूटर सोच के आपके दिमाग में क्या क्या आता है, कीबोर्ड मॉनिटर माउस, है ना। स्पोर्ट्स सुन के आपके दिमाग में क्या आता है, एथलीट स्टेडियम एक्सरसाइज। अब यहाँ पे एक चीज सोच मतलब इंपॉर्टेंट है कि आपको एक प्रॉपर नाउन नहीं लिख कर आना है। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं कि किसी का एक्चुअल नेम, जैसे अगर मैं बोलती हूँ क्रिकेट के ऊपर वर्ड रजिस्टर बनाओ तो आप यहाँ पे विराट कोहली का नाम लिख के मत आ जाना, ठीक है, क्योंकि विराट कोहली कोई एक इंसान का नाम है, उसको प्रॉपर नाउन अपन बोलते हैं, है ना। तो उससे मिलते जुलते शब्द लिखने हैं क्रिकेट के, ओके। अभी आपके एग्जाम में आ गया डॉक्टर, डॉक्टर का वर्ड रजिस्टर बनाओ तो आप क्या बनाओगे, बिल्डिंग का आ गया तो क्या बनाओगे बताओ, इतना इजी है बोलो। ठीक है, बहुत इजी है, चिंदी टॉपिक 1 मार्क्स के लिए। डॉक्टर के ऊपर बोला है भाई 4 वर्ड अपन लिख देंगे, नर्स, बिल्डिंग पे आया तो फ्लोर, स्टेप्स, सीमेंट, विंडो, जो भी आ रहे 4 वर्ड लिख दो। यस, मेडिसिन, हॉस्पिटल, इंजेक्शन, यस, यही सब तो है, पेशेंट, बिल्कुल एकदम सिंधी टॉपिक था बस, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपनी टॉपिक है#नंबर 11। वर्ड रजिस्टर हो गया उतना ही है वो, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं देंगे, बच्चा बच्चा भी कर लेगा उसको, बट याद रखना मीनिंग नहीं लिखना है, उससे रिलेटेड वर्ड्स लिखने हैं जो आपके दिमाग में आते हैं उस टॉपिक को सोचकर। नेक्स्ट टॉपिक अपना है कोड मिक्सिंग, 11वां टॉपिक। कोड मिक्सिंग में क्या होता है, रुक जाओ, अभी तक आपके सब वर्ड रजिस्टर के आंसर आ रहे हैं तो मैं थोड़ा रुक जाती हूँ, शांति दोस्तों, शांति। हाँ, वर्ड रजिस्टर खत्म, #11 स्टार्ट करूं, वर्ड रजिस्टर के आंसर आ रहे हैं, शांति शांति। चलो, 11th टॉपिक है अपना कोड मिक्सिंग। कोड मिक्सिंग मतलब क्या होता है, बहुत चिंदी, मिक्स मतलब क्या, कोई भी दो चीज को मिलाना, तो क्या पे कौन से दो चीज को मिलाने की बात हो रही है, लैंग्वेज। आज के जमाने में को बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एक भाषा को ही एकदम प्रॉपरली बोलते हैं, आधा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, भाषा में मिलावट करते हैं। जैसे मैं ही जब आपको पढ़ाती हूँ तो क्या करती हूँ, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को मिक्स करके पढ़ाती हूँ, बहुत से वर्ड हिंदी बोलती हूँ, बहुत से वर्ड्स इंग्लिश बोलती हूँ, बहुत से वर्ड्स, तो बहुत से तो हिंदी है और वर्ड्स इंग्लिश है, मैं शब्द भी तो बोल सकती थी, बहुत से शब्द हिंदी बोलती हूँ, है ना। तो क्या है, हिंदी प्लस इंग्लिश क्या बन गया भाई, मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे आज के जमाने में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोड मिक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं, 4-5 लैंग्वेज, 4-5 ज्यादा हो गया, 2-3 लैंग्वेज का मिक्स कर करके बोलते हैं, इसको मराठी आती हो तो भाई मराठी भी बीच में डाल देता है ना। बहुत सिंपल टॉपिक है, और हाँ आपके एग्जाम के लिए इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ज्यादा अपने को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जैसे देखो, आमची मुंबई ये एक वर्ड है, तो ये आमची मराठी है और मुंबई एक इंग्लिश वर्ड है
आमची एक मराठी वर्ड है कि नहीं बताओ? आमची एक मराठी वर्ड है और मुंबई एक इंग्लिश वर्ड है, तो कोड मिक्सिंग बन गया। सेकंड है डबल। डबल अपना क्या है? एक इंग्लिश वर्ड है और धमाका अपना हिंदी वर्ड है, तो डबल धमाका अपना क्या हो गया? डबल धमाका ये फ्रेज क्या हो गया? अरे भाई बोर्ड एग्जाम में तो डबल धमाका मचा के आएंगे। डबल धमाका इंग्लिश हिंदी कोड मिक्सिंग हो गया। आपके चैप्टर नंबर 1 में जुटका ड्राइवर ये वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। जुटका एक हिंदी वर्ड है और ड्राइवर अपना एक इंग्लिश वर्ड है, तो ये भी अपना कोड मिक्सिंग हो गया। होगा क्या, आपके एग्जाम में जो पैराग्राफ आया होगा ना, आपको बोलेगा कि भाई देखिए पैराग्राफ में से कोड मिक्सिंग वर्ड ढूंढ के निकाल, तो आपको ढूंढना होगा। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस पैराग्राफ में कोड मिक्सिंग वाले वर्ड ढूंढ के मुझे कौन बताएगा? आपके ये चैप्टर नंबर 1 का पैराग्राफ मैंने आपके स्क्रीन के सामने लगाई, जल्दी बताओ। टोटल है धमाल, डबल है धमाल, यस। जुटका ड्राइवर मतलब जो घोड़ा घाड़ी लेके पीछे अपना बैठ के चलाते ना, जल्दी। ये चैप्टर नंबर 1 है, आपको क्या बोला जाए? मतलब एक पैराग्राफ आपको आता है ना बोर्ड एग्जाम में जो इंग्लिश का, क्वेश्चन क्या होगा? बोलेगा देख भाई पैराग्राफ में से एक कोड मिक्सिंग ढूंढ के निकाल, तो आपको क्या करना है? आपको देखना है कि भाई मेरे पैराग्राफ में कोई ऐसा वर्ड है जो हिंदी और इंग्लिश मिक्स है। दलिया स्टॉक्स, देखो द पावर ऑफ, ये तो इंग्लिश है, इंग्लिश है, इंग्लिश है। हेंस प्लेस देयर वर बिटवीन द, ये तो सब इंग्लिश है भाई, इंग्लिश इंग्लिश। जहां पे कुछ मिक्सचर अपने को लग रहा है ना, वो वर्ड अपन लिख देंगे। टू क्राउन द इफेक्ट ही वाउंड अ सेफ्रॉन टर्बन अराउंड हिज हेड, दिस कलर नेवर स्क्रीम, पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज पीपल, कॉस्मोस धलिया स्ट्रोक। ये कुछ अलग लग रहा है, इसको अंडरलाइन करके रुक जाएंगे। ही सेड बॉस अंडर, ओके। तो दहलिया स्टॉक अपने को मिल गया। दहलिया एक हिंदी वर्ड है और स्टॉक एक इंग्लिश है, तो अपना आंसर क्या बनेगा? कोड मिक्सिंग वर्ड इज दहलिया स्टॉक। बस इतना आप लिखोगे, बात खत्म। आंसर क्या होगा? दहलिया स्टॉक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताओ इसमें बताओ। हाँ मराठी भी चलेगा, कोई भी होना चाहिए, जरूरी नहीं है सिर्फ हिंदी और इंग्लिश हो। ठीक है, ये वाले पैराग्राफ में से ढूंढ के बताओ, क्या आपको इस पैराग्राफ में से नजर आ रहा है अपना कोड मिक्सिंग? 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल गए, ओ हो, खुशखबरी खुशखबरी मोहल्ले में फैलाइए। कहां से ये खबर लेकर आए हो शिवम? राजास डेली कैसी? राजा किंग, किंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? राजा। और डेली कैसी तो इंग्लिश वर्ड है, तो हिंदी और इंग्लिश वर्ड का यहाँ पे मिक्सचर किया है ना, तो आपको बोर्ड एग्जाम में बोलेगा कि देख भाई पैराग्राफ में से कोड मिक्सिंग वर्ड वाले ढूंढ के निकाल, तो आप क्या लिख दोगे? राजा डेली कैसी। बस आपका ये आंसर रहेगा, ठीक है, डाल राजा डेली कैसी। नेक्स्ट इसमें से बताओ। बस अपना लास्ट टॉपिक है। मैं जो है आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन टू बी रियली वेरी वेरी ऑनेस्ट नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक इन टू मैराथन, क्योंकि वो टॉपिक के लिए एक अलग ही मैराथन चाहिए। सच बताऊं तो नॉट पॉसिबल कि मैं आपको पूरा टॉपिक एक वीडियो में करवा पाऊं, सो दैट इज वाई आई एम स्कीपिंग दैट टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और एक और टॉपिक है सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये तो मैंने जो आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करवा रही थी तभी समझा रही थी। सो ये दो टॉपिक मैं स्किप करवा कर रही हूँ। मैं नोट्स आपको दे दूंगी ग्रुप में इसका, ठीक है, दो टॉपिक का। बाकी सारे मतलब देखो अभी तक मैं जितना पढ़ाई उतना कर लो, 90% हो गए, 95% आपके ग्रामर हो चुके हैं। ठीक है, दो टॉपिक छोड़ देंगे। आई डोंट थिंक सो कि वो इतनी बड़ी टॉपिक अभी आप इस मोमेंट में करो, क्योंकि मैं वो पढ़ाने लग गई तो होगा क्या, बहुत टाइम लगेगा। प्लस जो बच्चों को चीजें समझ में नहीं आ रही है वो सीरियसली ले लेंगे, और हो सकता है बाकी सारी चीजें छोड़कर वही टॉपिक में लग जाए, ऐसा प्रॉब्लम है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो बच्चे को नहीं आता है तो उसको लगेगा कि अरे भाई मेरे को तो समझना नहीं है, देख रहा है देख रहा है, तो वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए पूरा 6 दिन बिता देगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि भाई जो टॉपिक आसान है, जो टॉपिक कर सकते हो वही करो, जो इतनी बड़ी बड़ी लेंथी टॉपिक है जो इस मोमेंट में नहीं हो सकती छोड़ दो, लीव इट। 1-2 मार्क्स कट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अपन 2 मार्क्स छोड़ रहे हैं बाकी पूरा कर रहे हैं। ठीक है, और जिनको आता है बूस्टर बैच वाले जिनको आता है, तो आप
को तो पता ही है यार, है ना, वो तो बूस्टर बैच में करवाई थी मैंने, बाकी नहीं है, स्किप कर दो, कोई टेंशन नहीं है, नोट्स दे दूंगी। इसका बताओ क्या मिला आपको इसमें से? डोजन कहाँ गया भाई, वो किधर मिला है आपको? हाँ डोजन आंसर, पाइज, पाइज पर क्वेश्चन भी, पाइज हिंदी वर्ड है, हिंदी, हिंदी इन द सेंस सॉरी इंडिया का वर्ड है, ठीक है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट लैंग्वेज बट इट ऑल्सो रिलेटेड टू एनी कंट्रीज कल्चर और समथिंग, बिकॉज जैसे रुपीज है ना, रुपीज, रुपीज ये इट इज नॉट अ हिंदी लैंग्वेज बट इंडिया का है ना, और डॉलर यूएसए का है, तो अगर रुपया और डॉलर एक साथ लिखा हुआ है तो वो भी कोड मिक्सिंग ही कहलाएगा, क्योंकि दो अलग अलग देशों की बात है, हिंदी में तो रुपया बोलते हैं, है ना। तो डोजन आंसर, इसका बताओ क्या इसका कौन बताएगा? अभी अपने को नो सूनर देन ऑल दो नॉट ओनली बट ऑल्सो भी करना है, ये वाला अपना कोड मिक्सिंग हो जाएगा उसके बाद। एनास इधर पे दिख रहा है आपको, एट एनास, तो आना जो है एक हिंदी वर्ड है और एट इंग्लिश वर्ड है, तो अपना कोड मिक्सिंग क्या बनेगा? एट एना, ठीक है, वो वर्ड निकालने जो कोड मिक्स हो रहे हैं। इसमें कौन बताएगा ये वाला, जल्दी जल्दी बताओ। यहाँ पे भी आना ही है, नहीं यहाँ पे जुटका ड्राइवर है, ठीक है, जुटका, जुटका हिंदी वर्ड है और ड्राइवर अपना हिंदी वर्ड इंग्लिश वर्ड है, तो जुटका ड्राइवर अपना कोड मिक्सिंग बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है? सीटिंग ऑन द प्योल, सीटिंग ऑन द इंग्लिश वर्ड है, प्योल हिंदी वर्ड है, तो अपना कोड मिक्सिंग क्या बन गया? कोड मिक्सिंग बन गया सीटिंग ऑन द प्योल, बस इतना ही है, ढूंढ के निकालना है। चलो आ जाओ आज के मैराथन की लास्ट टॉपिक्स, जो कि कुछ चिंदी टॉपिक्स के अंदर आती है, ठीक है, कुछ चिंदी चिंदी टॉपिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। चलो कोड मिक्सिंग खत्म हो गया है, कौन सा टॉपिक था वो अपना? 11th था शायद, से 11th था ना, 12th, आ जाओ। #Number12 चिंदी टॉपिक, चिंदी चिंदी, आ जाओ। कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसी आएगी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो इसको अपन चिंदी टॉपिक के अंदर डाल रहे हैं, जैसे कि कौन से, जो एक ग्रामर का हिस्सा नहीं है बट वो ऐसे टॉपिक्स है जो आपकी इंग्लिश नॉर्मल से, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, कौन से, नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना, ये तो बच्चा बच्चा कर लेता है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो ये वाला एक टॉपिक है, आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है, वो सारे सेंटेंस, नो सूनर देन, ऑल दो एंड दो एंड अनलेस, ये वाला टॉपिक आपने देखे हो कहीं ना कहीं, आते हैं अनलेस एंड इफ, यस देखे होगे ना, कहीं ना कहीं आते रहते हैं ये सारे टॉपिक, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर देन, अपन सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे थे तभी तो कितने सारे आए थे, नो सूनर देन के तो पता नहीं कितने क्वेश्चन लोगों ने पूछ लिए, तो ये सारे छोटे मोटे टॉपिक है सबके, मतलब बताती हूँ कैसे करना है। तो देखो सबसे पहला टॉपिक अपना क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आ जाओ जी, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसमें इसका मतलब क्या है? ये नहीं वो भी, आपका क्वेश्चन में दो बातें लिखी गई होगी और वो रिप्लेस होगा किससे, एंड से, या तो एज वेल एज से, ठीक है,
अगर मैं बोलती हूं इंग्लिश पेपर इज नियर एंड इट इज लेंदी। तो मैंने यहां पे क्या करी हूं, दो बातें बोली हूं। पहले तो मैंने बोली इंग्लिश पेपर जो है नजदीक है, फिर और बोली, और मैंने बोली कि वो इंग्लिश पेपर लेंदी भी है। यही बात को मैं ऐसे भी बोल सकती हूं, यही सेम बात को मैं कैसे बोल सकती हूं, इंग्लिश पेपर इज नियर, फिर एंड हटा दूंगी, रिप्लेस हो जाएगा, उसके बाद मैं क्या बोल सकती हूँ, एज वेल एज इट इज लेंदी, ठीक है, ऐसा बोल सकती हूँ, एक ही बात हुई। या तो तीसरा मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ टू वर्ड का, क्या बोल सकती हूँ, इंग्लिश पेपर इज नियर एंड इट इज लेंदी टू। और फोर्थ तरीका मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूं, इंग्लिश पेपर इज नॉट ओनली नियर, नॉट ओनली नियर बट ऑल्सो लेंदी, बट ऑल्सो इट इज लेंदी, या सिर्फ लेंदी लिखोगे तो भी चले। तो यहां पे आपको क्या समझ में आ रहा है बताओ, यहां पे आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि भाई बोलने का तरीका अलग है बट चारों सेंटेंस का मीनिंग सेम है। यही समझ में आया ना, पहले वाले सेंटेंस में हमने एंड लगा के दो बात रखे, दूसरे वाले सेंटेंस में एज वेल एज लगाए, तीसरे वाले सेंटेंस में टू लगाए, और चौथे वाले सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाए। तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आपको बोलता है कि देख भाई सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही सेम सेंटेंस का बिना मीनिंग चेंज किए अपना आंसर फ्रेम करना है। ऊपर दिए गए तीन क्वेश्चन, मतलब जो सेंटेंस अगर क्वेश्चन में एज वेल एज है तो आंसर में ऑफकोर्स एज वेल एज हट जाएगा, ठीक है। देखो बताओ, जैसे कि इसका आंसर मेरे को बताओ पिछले साल आ चुका है, अ डियर ओल्ड, इसका बताओ, तो अपने इस क्वेश्चन में देखो दो बातें हैं, और क्या है, एंड लगा हुआ है, एंड दिख रहा है बीच में, एंड एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो, आ जाओ कमेंट में क्या चलता रहता है यार, तुम लोग का अलग ही, तुम लोग का अलग ही चल रहा है, कमेंट में अलग ही दुनिया बसा दी हो ऐसा लग रहा है ना, सबकी अलग दुनिया बसी हुई है कमेंट सेक्शन में, अलग ही फ्रेंडशिप बन गए हैं, अलग ही मतलब यही जगह मिली। अरे भाई दुनिया में इतने सारे लोग लाइव ले रहे हैं, तुम लोग को मेरा ही चैनल मिला ये सब करने के लिए। बताओ आंसर क्या होगा, अ डियर ओल्ड फैमिली फिजिशियन गेज्ड नॉट, फिगर ऑफ स्पीच बहुत जल्द होगा, कल या परसों में आने वाली हूँ, क्योंकि आज अपना ग्रामर खत्म, अब कल से अपने पास 6:30 बजे वाला टाइम फ्री होगा ना, तो कल से मैं सोच रही हूँ आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवाना स्टार्ट करूँ, क्योंकि बहुत सारे डिमांड कर रहे हैं कि मैम क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवा लो, दिल को तसल्ली मिलेगी कि हम क्वेश्चन बैंक भी करके गए, तो क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवाने का सोच रही हूँ कल शाम 6:30 बजे से, मतलब कुछ ना कुछ हम करेंगे 6:30 बजे, और 9 बजे तो अपना चलने ही वाला है सैंपल पेपर। और फिर हाँ एक और चीज, रुको रुको रुको, दिल थाम के बैठो, एक और चीज मैंने आपके लिए सोची हूँ, मेंटी क्विज,
मेंटिकुल्स। ग्रामर अभी अपन ने पढ़ लिए, पढ़ तो लिए है, लेकिन ग्रामर आपको आया या नहीं आया ये तो आपकी प्रैक्टिस ही बताएगी। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है भी या नहीं है। मतलब आप अपने जाने में सही लिख रहे हो, बट हो सकता है वो सही नहीं है। कोई इंसान चेक करने वाला तो होना चाहिए ना। तो मैं क्या करने वाली हूँ, कल से अपने पास 6:30 बजे वाला टाइम फ्री रहेगा, ठीक है? तो मैं मेंटी क्विज लाने वाली हूँ, ठीक है, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ, गौर से सुनो, ओनली 5 क्वेश्चंस। वो सेशंस बड़े नहीं होंगे क्योंकि ना आपके पास टाइम है कि आप ज्यादा टाइम दो, क्योंकि हम 9 बजे थियोरी को सॉल्व करने ही वाले हैं। आपके एग्जाम में क्विज को मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड तो क्वेश्चन है नहीं, थियोरी बेस्ड है। ग्रामर आपका प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं क्या करूंगी, शाम 6:30 बजे हम मेंटी क्विज करेंगे। या तो उसका अगर टाइम चेंज भी होता है, जो भी होता है आपको शेड्यूल में मिल जाएगा, क्योंकि मैं दो चीज करने का सोच रही हूँ कि आपको करवाऊं ये अपना क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवाऊं, मेंटी क्विज करवाऊं, और साथ में आप जो डिमांड कर रहे हो बीच बीच में कि मैम फिगरो स्पीच भी करवा दो, कंपोज द पोएम भी करवा दो, पेपर प्रेजेंटेशन भी लेकर आ जाओ, तो ये सारी चीजें जो होगी वो 6:30 बजे के टाइम में होगी, ठीक है? तो ये सब चीज आपको रेडी रहनी है, ओके? तो कल शाम 6:30 बजे रेडी रहना। आप मेंटी क्विज पता भी है क्या कितने बच्चों को नहीं पता? मैं बताती हूँ क्या होता है मेंटी क्विज में। मैं आपके सामने लाइव आऊंगी 5 क्वेश्चन पहले से लेकर, ठीक है? आपको मैं एक कोड दूंगी, वो 6 नंबर का कोड, वो आपको ना अपने गूगल में डालना है। आप एक गेम में ज्वाइन हो जाओगे, यहाँ पे जितने भी बच्चे आपको दिख रहे हैं वो सारे बच्चे उस गेम में पार्टिसिपेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपको 30 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, यू विल बी गेटिंग 30 सेकेंड्स ऑफ टाइम। आपके सामने क्वेश्चन आएंगे और 4 ऑप्शन आएंगे, जो बच्चे ने सबसे फास्ट आंसर क्लिक किया वो टॉप 10 की लिस्ट में आता रहेगा, ठीक है? जो बच्चा गलत आंसर दे रहा है वो उसका पूरा अपने को रिजल्ट पता चलेगा। ये सब कुछ लाइव हो रहा होगा। अगर आपको नहीं पता है मेंटी क्विज क्या है तो आप सर्च करो मेरे यूट्यूब चैनल में, मैंने ऑलरेडी मेंटी क्विज ले चुकी हूँ, बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है? तो यहाँ पे कंपटीशन होगा, जो बच्चे टॉप 10 रैंक में आएंगे उन लोगों को पता चलेगा कि भाई मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ एकदम सही दिशा में जा रही है। जो बच्चे के आंसर गलत हो रहे हैं तो उसको प्रैक्टिस पता चलेगी कि मैं क्यों गलत कर रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो कल रेडी रहना 6:30 बजे, ठीक है? तो ये अपना आंसर क्या बनेगा, खुश हुए? मजा आएगा ना, आला रे आला, मेंटी आला। अब मजा आएगा ना, पार्टिसिपेट करेंगे ये सारे बच्चे, अपन मिलके धमाका मचाएंगे, ठीक है? अ ग्रेट डियर ओल्ड फैमिली इज नॉट ओनली एट माई क्रैक। और ये बिल्कुल फ्री है, कोई बच्चा ऐसा मत समझना इसका कुछ पैसा भरना है या कुछ करना है, एकदम फ्री है। नॉट ओनली बट ऑल्सो फ्रेड कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ चलो, नॉट ओनली बट ऑल्सो की कहानी खत्म। अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ऑल दो और दो। अगर आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा, मैं आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने को पढ़ा रही थी, फिर से पढ़ा देती। ऑल दो का मतलब क्या होता है, हालांकि, ठीक है? और दो का भी ऑलमोस्ट वही सेम मीनिंग है, बावजूद, हालांकि। तो आपके एग्जाम में एक सेंटेंस लिखा होगा, ठीक है, जैसे कि ऐसा, ऑल दो आई सेड हर टू स्टडी शी प्लेड टिल नाइट, ठीक है? तो इसका रिप्लेसमेंट क्या है? यही बात को अगर मैं दूसरे तरीके से बोलना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगी, अपने को क्या करना है, ये ऑल दो अगर अपने को अपने सेंटेंस से हटाना है तो अपना क्या होगा पता है, ये क्वेश्चन, या आपको यहाँ पे जो कॉमा दिख रहा है ये कॉमा को हटा के बस अपने को क्या लगाना है, बट, और आपका बन गया आंसर। यानी ऑल दो को हटाओ, कॉमा हटा के बट लगाओ, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, आई सेड हर टू स्टडी बट शी प्लेड टिल नाइट। हालांकि मैंने उसको बोली कि पढ़ ले, बट
वो पूरी रात भर खेलती रही ना, बावजूद मेरे बोलने के बावजूद वो रात तक खेलती रही। तो ये इसका रिप्लेसमेंट है, जैसे हमने देखा ना एज वेल एज का रिप्लेसमेंट है नॉट ओनली बट ऑल्सो, उसी प्रकार से ऑल दो का रिप्लेसमेंट क्या है, बट कॉमा बट। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन आपको जो आया है इधर पे, इसको सॉल्व करते अपन। आई हैड सक्स, बहुत चिंदी क्वेश्चन है, इसको हार्ड बनाने के लिए उन्होंने बड़ा सेंटेंस बनाया। आई हैड सक्सेसिव आइडियाज ऑफ स्पेशलाइजिंग इन डर्मेटोलॉजी इन ऑरल सर्जरी इन पेडियाट्रिक्स बट डिस्कार्डेड देम ऑल। और आपको क्या बोल रहा है कि भाई दो लगा, तो दो लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, रिवर्स फॉर्मूला अप्लाई करो, अपने सेंटेंस में दो आ जाएगा और बट निकल जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिप्लेसमेंट है। तो सिर्फ दो लगाना था, बट हटाना था और बाकी की पूरी कहानी अपनी ऐसी कॉपी पेस्ट होगी। बीच में कॉमा लगाना भूलना नहीं, ये कॉमा रहेगा इधर पे देखो, ठीक है। बहुत ही बहुत बहुत सिंपल है, समझ में आ गया। नॉट ओनली बट ऑल्सो का एक और क्वेश्चन आपके सामने आया है। अर्थ डे डिजर्व अ कॉमेमोरेशन एंड आर टोटल डेडिकेशन, इसका आंसर क्या, कौन बताएगा? 9 बजे अपना सैंपल पेपर होने वाला, 9 बजे तो 9:30 बजे शिफ्ट कर दूं, 9:30 को कल की तरह कल की तरह अपना आज का जो सैंपल पेपर सॉल्विंग है 9:30 को होगा, ठीक है, क्योंकि अभी सेशन एंड होते होते 9 बज जाएंगे। Yes, this channel is for Maharashtra board student class 12th who are is going to give examination in just 6 days. Earth Day deserves not only a commemoration but also आर टोटल डेडिकेशन। फिर से एक और क्वेश्चन, कल्पना वॉज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हर बर्थ प्लेस एंड मेड एवरी एफर्ट टू ब्रिंग इट इन टू लाइम लाइट। कल्पना वॉज नॉट ओनली एक्सट्रीम बट ऑल्सो नॉट ओनली या तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, कल्पना वॉज एक्सट्रीमली प्राउड नॉट ओनली ऑफ हर बर्थ प्लेस बट ऑल्सो मेड एवरी एफर्ट टू ब्रिंग इन टू लाइमलाइट। ये तो अपना वो वाला क्वेश्चन है। फिर से एक और आ चुका है, ये एप्रिसिएशन तो दे दी हूं ना, फिर से चाहिए। ठीक है, अभी कहानी आती है नो सूनर की लास्ट, फिर अपना खत्म हो जाएगा आज का सेशन। नो सूनर आ जाओ, नो सूनर डॉट 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 देन, ये आपका एक ऐसा ग्रामर है जो किससे रिप्लेस होता है, एज सून, एक मिनट, किससे रिप्लेस होता है, एज सून एज से, या तो वैन लगा होगा सेंटेंस में, ठीक है। अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखती हूं, As soon as police arrived, theft fled.
इसका मतलब क्या होता है? जैसे ही पुलिस आई, चोर लोग भाग गए। नो सुना का भी मतलब क्या होता है? जैसे ही। तो दो बात लिखी होती है, जैसे ही ये हुआ उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही पुलिस आई चोर लोग क्या हुए, भाग गए। तो ये वाले सेंटेंस को अगर अपने को नो सुनर देन में कन्वर्ट करना है तो नो सुनर देन का फॉर्मूला क्या है कि क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हमेशा नो अदर से स्टार्ट होगा, उसके बाद लगा होगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद लगा होगा सब्जेक्ट, ठीक है। फिर सुनो गौर से, सब्जेक्ट लगा होगा, उसके बाद अपने क्वेश्चन में दो सेंटेंस है ना, तो सेंटेंस नंबर वन लगाएंगे, सेंटेंस नंबर वन फॉर्मूला बढ़ाया, उसके बाद अपन लगाएंगे देन, देखो देन है ना इधर पर छुपा हुआ, देन लगाएंगे और फिर सेकंड सेंटेंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सेकेंड सेंटेंस लगाएगा। समझ में आ रही है बात? ये इसका फॉर्मूला है। अब यही फॉर्मूला को मद्देनजर रखते हुए अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्या करेंगे, आंसर में लिख देंगे भाई नो अदर। अब क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है किसी भी हालत में, क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, क्वेश्चन अपना पास्ट में है तो डिड लगाएंगे, नो सूनर डिड, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? पुलिस, नो सूनर डिड पुलिस लगा दिए, ठीक है। डिड है तो अराइव्ड क्या बन जाएगा, अराइव, एज सून एज को हटाना पड़ेगा क्योंकि रिप्लेसमेंट है। उसके बाद क्या लगाना है भाई, देन, देन लगा दिए और सेकंड सेंटेंस अपना क्या है, थी फ्लेड। तो आंसर क्या बन गया, नो सूनर डिड पुलिस अराइव्ड देन थीव फ्लेड, ठीक है। एक और क्वेश्चन, अब देखो अपने इस क्वेश्चन में एज सून एज नहीं है लेकिन वैन, हमने कहते वैन रिप्लेस होता है तो वैन को हटा देगा, ठीक है। क्वेश्चन की शुरुआत किससे होगी, नो सूनर से होगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पास्ट में है तो डिड लगाएंगे, नो सूनर डिड, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, आई है, नो सूनर डिड आई, सेंटेंस नंबर वन, देखो कॉमा 100% लगा होगा, ओके। और आपका सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइडेड ना, कॉमा के ये तरफ वाला सेंटेंस सेंटेंस नंबर वन, कॉमा के वो तरफ वाला सेंटेंस नंबर टू, तो सेंटेंस नंबर वन में से अपन ने आई लगा दिए। अब कौन बचा, गिव एग्जाम बचा ना, नो सूनर डिड आई गिव एग्जाम, डिड है तो गिव गिव बन गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस से पहले देन एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग, बस इतना ही तो है, एवरीवन स्टार्ट सॉरी स्लैमिंग द बैच। समझ में आया कैसे सॉल्व हो पा रहा है ये क्वेश्चन? चलो अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ जो आपके एग्जाम में आ चुका है, लास्ट क्वेश्चन आज के मैराथन का। एज आई एंटर्ड द पोस्ट ऑफिस द पोस्ट मास्टर प्रेजेंटेड मी विथ अ टेलीग्राम, बिगिन द सेंटेंस विथ नो सूनर। No sooner, helping verb नहीं है, past में है, did लगाएंगे, no sooner did। Subject क्या है, I, I, ठीक है। Enter the office, comma लगा हुआ है, देखो बीच में दिख रहे है comma, ये बीच में comma है, तो ये वाला ये तरफ का सेंटेंस नंबर वन लगाना है, as I entered, एड हट जाएगा, I entered the post office। No sooner did I enter the post office, फिर क्या करना है, then लगाना है और second वाला जो sentence है, second वाला ये वाला जो sentence आपको दिख रहा है, the postmaster presented me with a telegram, वो पूरा इधर पे copy paste कर देना है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, नो सुना डिड आई एंटर द पोस्ट ऑफिस देन द पोस्ट मास्टर प्रेजेंटेड मी विद अ टेलीग्राम, बहुत इजी है, ठीक है। तो ये सारी फॉर्मूला वगैरह सब बता दी, इसी के साथ अपना आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है।
हमने जो है आपकी नाइन मतलब 2 दिन के मैराथन में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपकी पढ़वा दी हूँ पूरा का पूरा जितना मेरे से पॉसिबल हो पाया। आई होप आपको ये जो मैराथन है बहुत हेल्प किया होगा। 1 हफ्ते पहले ग्रामर में जो आपका 9-10 मार्क्स का आने वाला है उसमें से यार आप लोग अगर 6-7 मार्क्स भी लेकर आ जाओगे इट इज गुड ना। तो ये 2 घंटे के सेशन की अगर आपने नोट्स बनाए हो तो सबके आपको हर एक टॉपिक के अलग अलग फॉर्मूला दिख रहे होंगे। ठीक है, 12 अलग अलग टॉपिक हमने पढ़े, टेंसेस से लेकर एक्टिव वॉइस से लेकर डिग्री ऑफ कंपैरिजन, छोटी मोटी टॉपिक हो, कोड मिक्सिंग हो, जेरंड हो, इन्फिनिटिव हो, या तो फिर हमारा वो WH क्वेश्चन हो, हमने आपके ग्रामर के, देखो यार एक सच बात बताऊं, देखा जाए तो ऐसे तो बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक है, बट मैंने आपके पिछले साल के 10 से 15 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करी हूँ, मुझे पता है कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है। अगर करवाना चाहती तो मैं आपको पता नहीं दुनिया भर के कौन कौन से ग्रामर करवाती जिससे आपका टाइम इतना बर्बाद होता, मतलब आपको मैं पढ़वा तो देती बट वो आते ही नहीं एग्जाम में, तो कुछ मतलब हुआ उसको पढ़ने का नहीं ना। पूरी चीज को मद्देनजर रखते हुए सारे के सारे इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक को सेग्रीगेट करके समझा कर और सारे के सारे ग्रामर जो पढ़वाई हूँ उसका PYQ भी आपके सामने पेश करी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो। जो भी क्वेश्चन मैंने आप आपको दी हूँ उसको सॉल्व करो, नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो देखो मैंने क्या एक्सप्लेनेशन दी, फिर से वॉच करो। जरूरी नहीं है कोई भी चीज जो है हमको एक बार में समझ में आ जाए, कभी कभी चीजें दूसरी बार में भी समझ में आ जाती है। तो कभी आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो वीडियो फिर से देख लेना, ठीक है। मैराथन नंबर 1 अगर नहीं देखे हो तो फिर से देख लो। टेंसेस वाला टॉपिक जितना हो सके उतना दिमाग में फिट कर लो, इंग्लिश आपकी सुधरेगी, आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टेंसेस वगैरह सब काम आता है, अपना ग्रामर भी सॉल्व होता है। ठीक है, अभी हम मिलेंगे 9:30 बजे जहां पे हम आप 9:30 बजे, हाँ ठीक है, 9:30 बजे हम मिलेंगे। आपका सैंपल पेपर नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं, सैंपल पेपर नंबर 6, ठीक है। और फिर कल से हमारी कहानी न्यू चीज की स्टार्ट हो जाएगी, मेंटी क्विज, क्वेश्चन बैंक, फिगर ऑफ स्पीच, ये सब हम करते रहेंगे। सो आई होप पसंद आया है, प्लीज अगर आपको पसंद आया ये सेशन तो लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो, बिकॉज ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। मतलब एक सच बात बताऊं, जब से मैंने अपनी लाइफ में पढ़ाना स्टार्ट करी हूँ मैंने क्लास 12th के बच्चों के अलावा कोई दूसरे स्टैंडर्ड को देखी तक नहीं हूँ। मतलब 11th 10th 9th के बच्चों को मैंने पढ़ाई ही नहीं हूँ, मतलब जो भी पढ़ाई हूँ आज तक सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th के बच्चों को पढ़ाई, तो मेरा पता नहीं क्लास 12th के बच्चों से क्या अलग ही कनेक्शन बन गया है। तो यही है कि आपके जितने भी क्लास 12th के बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, बिकॉज आई रियली वॉन्ट कि ये जो मेरा चैनल है वो महाराष्ट्र के हर एक क्लास 12th के बच्चों तक पहुंचे। ठीक है, और शुरुआत तो 5 साल पहले की थी, अपने घर में 15-16 बच्चे आते थे बस, और आज 600-700 बच्चे लाइव लेक्चर अटेंड करते हैं। तो ये जर्नी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि पढ़ाने का पैशन है यार, सच बताऊं। आप भी बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हो कि मैम आप बहुत डेडिकेशन के साथ इतना लंबे लंबे सेशन ले लेते हो बिना ब्रेक के बिना इसके, तो बस यही है क्योंकि कनेक्शन भी हो गया ना एक पर्टिकुलर क्लास से। अगर कोई दूसरे क्लास होते ना, कितने टीचर होते कि वो 7th को भी पढ़ाते हैं, 10th को भी, 12th को भी, तो उनके एक पर्टिकुलर क्लास से कनेक्शन नहीं होता है। मेरा पता नहीं क्लास 12th के बच्चों से क्यों इतना कनेक्शन है क्योंकि मैं आज तक भी दूसरी क्लास को पढ़ाई नहीं हूँ, तो इसलिए मैं जो भी पढ़ाती हूँ ना क्लास 12th के बच्चों को पूरा दिल और जान लगा के पढ़ा देती हूँ। ठीक है, फिर भले ही वो मेरे को पढ़ाने के लिए 2 घंटा लगे या 3 घंटा लगे, दिन में मेरे को दो दो मैराथन लेने पड़े या 4 मैराथन लेने पड़े। ठीक है, सो और हाँ याद रखना अपना बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भूल जाएगा या कुछ हो जाएगा। आपके काम की जो भी चीजें मुझे लगेगी कि इस चैनल पे मुझे डालना है, जैसे कि करियर गाइडेंस वीडियो है, 12th के बाद जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें लगती है वो सारी चीजें मैं सेशन मतलब इस चैनल पे अपलोड करते रहूंगी, तो अपना जो है कनेक्शन वो 12th के बाद भी नहीं टूटेगा। ठीक है, सो यस, इसके साथ आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं 9:30 बजे सैंपल पेपर सॉल्व करने। बाय बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, थैंक यू।